वैसे उसे असल हालात का इल्म तो नहीं था और वो ये भी जानता था कि अभी तक इमरान ने राबता कायम नहीं किया, लेकिन इतना तो वो भी समझता था कि कैप्टन शकील किसी खास मकसद के लिए ही इन आदमियों का ताकुब कर रहा होगा, वरना वो वक्त जाया करने वाले आदमियों में से नहीं। चुनाचे उसने टैक्सी वहीं से रुखसत कर दी और खुद पैदल चलता हुआ कोठी के सामने से एक बार गुजर गया। कोठी खासी वसी और अरीस थी। कोठी का पाटक बंद था। अब सफदर ये सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्या वो अंदर जाए या फिर बाहर रहकर निगरानी करे। आखिर उसने बाहर रहकर ही निगरानी करना ज्यादा मुनासिब समझा। उसने सोचा हो सकता है अंदर जाना कैप्टन शकील के मफाद में ना हो। वो टहलता हुआ आगे चल पड़ा। वहां ऐसी कोई जगह ना थी जहां वो छुपकर कोठी की निगरानी करता, इसलिए वो थोड़ी देर तक तो कोठी के सामने टहलता रहा। फिर उसने कोठी के अंदर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि यूं ही वो कब तक टहलता रहता, ख्वाह मख्वाह अपने आप को मशकूक बना लेने वाली बात थी। चुनाचे वो घूमकर कोठी की पुश की तरफ चला गया और फिर एक दरख्त के जरिए एक दीवार तक जहां पहुंचा। चंद लम्हे बाद वो पाए बाग में रेंग रहा था। कोठी खासी खूबसूरत और अच्छे डिजाइन की थी। उसकी पिछली तरफ भी एक खूबसूरत बरामदा था। उसमें दो कमरों और हॉल के दरवाजे थे। कोठी चौंका दो मंजिला थी, इसलिए उसने सोचा बेहतर तरीका यह है कि दोनों मंजिलों के दरमियान वाली गैलरी में छुपा जाए। फिर वो रेंगता हुआ बरामदे में जा पहुंचा। दाएं कोने में सीढ़ियां नजर आईं और फिर वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ दरमियानी गैलरी में जा पहुंचा। उस गैलरी में निचले कमरों के बड़े बड़े रोशनदान थे। उसने मुख्तलिफ रोशनदानों से झांका। एक बड़े कमरे में उसे एक तवील उल कामत दुबला पतला सा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आया। उसके चेहरे पर शैतानियत और अय्यारी मुजस्सिम होकर रह गई थी। वो काफी देर तक बैठा रहा। सफदर ने देखा कि अचानक हॉल का दरवाजा खुला और फिर वो ये देखकर चौंक पड़ा कि कैप्टन शकील मुसल्ला आदमियों के नरगे में हाल में दाखिल हुआ। सफदर हैरान था कि कैप्टन शकील उनके काबू में किस तरह आ गया। यही हो सकता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। जिस वक्त तवील उल कामत शख्स ने कैप्टन शकील को गोली मार देने का हुक्म दिया, सफदर ने रिवॉल्वर संभाल लिया। उसने रोशनदान जरा सा पहले ही खोल रखा था। फिर उसने कैप्टन शकील को सिचुएशन पर काबू पाते देखा तो वो मुतमईन हो गया, लेकिन फिर उसकी आंखें हैरत से फट गईं, जब अचानक फर्श में खला पैदा हुआ और वो दोनों उसके अंदर गिर गए। दूसरे लम्हे फर्श बराबर हो गया। अब हॉल में सिर्फ वही दोनों मुसल्ला आदमी रह गए। फर्श के बराबर होते ही वो दोनों फुर्ती से मुड़े और दूसरे लम्हे वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। सफदर तेजी से उठा और फिर तकरीबन भागता हुआ गैलरी के सिरे की तरफ भागा। चंद लम्हे बाद वो सीढ़ियों पर था। वो दो दो तीन तीन सीढ़ियां बेवक फलामता हुआ नीचे उतरने लगा। वो तेजी इसलिए कर रहा था कि साफ जाहिर था कि कैप्टन शकील और तवील उल कामत शख्स दोनों किसी तहखाने में गिरे हैं और अब ये दोनों मुसल्ला शख्स यकीनन उसी तहखाने की तरफ गए होंगे। चुनाचे उन दोनों के गायब होने से पहले अगर वो नीचे पहुंच जाता तो वो भी उनके पीछे पीछे वहां पहुंच सकता है। लेकिन बे इंतहा फुर्ती के बावजूद भी जब वो नीचे पहुंचा तो बरामदा खाली था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता एक कमरे की तरफ बढ़ा। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई जल्दी में बंद करना भूल गया हो। सफदर ने अंदाजा लगाया कि इसी कमरे से तहखाने का रास्ता जाता होगा। उसने एक लम्हे के लिए इधर उधर देखा और फिर दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। कमरा खाली था, उसमें किसी किस्म का फर्नीचर नहीं था। सफदर कमरे को खाली पाकर एक लम्हे के लिए ठटक गया और उसने चारों तरफ मुतजस्सिस अंदाज में देखना शुरू किया। सामने वाली दीवार पर उसे शक हुआ और वह नजदीक होकर उसे बगौर देखने लगा। फिर उसने हाथ से दबाकर दीवार को परखा। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कमरे में कोई और आ गया हो। इससे पहले कि वो मुड़ता, एक गरजदार आवाज से कमरा गूंज उठा, हैंड्स अप। साथ ही राइफल की नाल उसकी कमर में चुभने लगी। सफदर ने एक तवील सांस लेकर हाथ में पकड़े हुए रिवॉल्वर को जमीन पर गिराकर दोनों हाथ सर से बुलंद कर दिए। बाएं साइड पर हो जाओ, वही गरजदार आवाज दोबारा गूंजी और सफदर बाएं तरफ हट गया। अब हुक्म देने वाला उसकी साइड में था। उसने देखा कि वो अच्छा खासा लहीम शहीम शख्सियत का मालिक था। उसने राइफल हाथ में पकड़ी हुई थी। हमला आवर ने एक हाथ से राइफल पकड़े रखी और दूसरे हाथ से झुककर सफदर का रिवॉल्वर उठा लिया। मौका बड़ा अच्छा था। अगर सफदर चाहता तो हमला आवर को मार लिया जाना कोई ज्यादा मुश्किल ना था, लेकिन उसने खुद ही कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो जल्द से जल्द कैप्टन शकील तक पहुंचना चाहता था और ये शख्स यकीनन उसे वहीं ले जाता। चुनाचे वही हुआ। रिवॉल्वर उठाकर जेब में डाल लेने के बाद उसने सफदर को कमरे से बाहर निकलने का हुक्म दिया और फिर सफदर उसके आगे आगे कमरे से बाहर निकल आया। उसकी रहनुमाई में वो बरामदे में चलता हुआ एक दूसरे कमरे में पहुंचा।
अंदर दाखिल होकर उस आदमी ने स्विच बोर्ड पर लगा हुआ एक बटन दबाया और सामने दीवार में एक दरवाजा खुल गया। ये एक छोटे से कमरे का दरवाजा था। उस कमरे के कोने में सीढ़ियां मौजूद थीं जो नीचे जा रही थीं। इन सीढ़ियों के जरिए वो एक हॉल में पहुंच गए। ये वही जगह थी जहां सफदर पहुंचना चाहता था। सामने ही फर्श पर कैप्टन शकील जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उसके सर से काफी मकदार में खून बहकर मुंजमद हो चुका था और वो बेहोश था। वो तवील उल काम शख्स कैप्टन शकील के सरहाने खड़ा उसे मायने खेज नजरों से बखौर देख रहा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए उस तवील उल काम शख्स ने अचानक सर उठाकर उन्हें देखा। उसकी आंखों में हैरत की झलकियां थीं। जूलिया ने कैप्टन शकील को सफदर की तरफ इशारा करते हुए देखा था और फिर इशारे के मुताबिक कैप्टन शकील के बाहर जाने के बाद सफदर भी उठकर बाहर चला गया। जूलिया हैरान थी कि कैप्टन शकील को बैठे बैठे क्या सूझी जबकि इन्हें सिरे से केस का इल्म नहीं था। काफी देर तक वो इस मामले पर गौर करती रही लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसे अब इमरान पर गुस्सा आना शुरू हो गया कि आखिर उसने अब तक रास्ता कायम क्यों नहीं किया। अभी वो सोच रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी मेज के करीब कोई शख्स मौजूद है। उसने सर उठाकर देखा तो एक मशहूर सूरत नौजवान बड़ी बेचारगी से उसकी तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि शायद कोई भिखारी है जो मौका पाकर होटल में भीख मांगने के लिए घुस आया है, लेकिन दूसरे लम्हे उसका लिबास का ख्याल करके उसे अपना ख्याल बदलना पड़ा क्योंकि लिबास काफी साफ सुथरा था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? नौजवान की आवाज में आजिज़ी नुमाया थी जैसे उसे उम्मीद न हो कि वो उसे बैठने देगी। जूलिया को रहम आ गया। बैठ जाओ, जूलिया ने नरम लहजे में कहा। नौजवान कुर्सी पर यूं धम से बैठा जैसे जूलिया का इरादा बदलने से पहले कुर्सी पर कब्जा करना चाहता हो। जूलिया बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थी। उसके जहन का गुबार साफ हो गया। मुझे शतरन नकील आबादी कहते हैं, नौजवान ने कदरे झीमते हुए अपना तारुफ कराया। शतरन नकील आबादी, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो उर्दू अच्छी तरह जानती थी इसलिए इन अल्फाज से वो पूरी तरह महफूज हुई। जूलिया को मुस्कुराते देखकर नौजवान और झीप गया। मुझे सूफिया कहते हैं, जूलिया ने न जाने क्यों अपना असल नाम बताने से गुरेज किया। सूफिया, तो क्या आप शादीशुदा हैं? नौजवान ने हैरत से पूछा। क्या मतलब? जूलिया को उस सवाल ने वाकई हैरत में डाल दिया। जी हाँ, सूफिया यानी सूफी की बीवी, नौजवान ने वजाहत की तो जूलिया बे अख्तियार हंस पड़ी। नहीं मिस्टर शतरन नकीलाबादी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, मुझे गलतफहमी हुई, नौजवान ने कहा। क्या आप शायर हैं? जूलिया ने उसमें दिलचस्पी लेते हुए कहा। शायर नहीं, लेकिन आपने कैसे अंदाजा लगाया? नौजवान ने हैरत से कहा। आपके नाम की वजह से, जूलिया ने कहा। नाम से? लेकिन मेरे नाम में तो कोई काफिया रदीफ मौजूद नहीं, नौजवान ने कहा। तो फिर शतरन नकीलाबादी क्या हुआ? जूलिया बाकायदा बहस के मूड में आ गई। नकील आबादी उस जगह का नाम है जहां मैं पैदा हुआ था और शतरन मेरा नाम है, नौजवान ने कहा। और आपके वालिद का क्या नाम था? जूलिया ने संजीदगी से पूछा। शतरन बे महार, नौजवान ने बगैर किसी तकल्लुफ के जवाब दिया और जूलिया बे अख्तियार हंस पड़ी। नौजवान ने जूलिया को इस तरह हंसते देखकर बुरा सा मुंह बनाया। क्या मैंने कोई लतीफा सुनाया है? नौजवान ने झिझला कर कहा। कमाल है, ये लतीफा नहीं तो और क्या था? जूलिया ने हंसी पर बड़ी मुश्किल से काबू पाते हुए जवाब दिया। कमाल है, हमारे तो सीधे साधे नाम आपके लिए लतीफा बन गए और आपका नाम जो सोफा है वो लतीफा नहीं? नौजवान ने बाकायदा तौर पर मुंह चढ़ाते हुए कहा। सोफा नहीं मिस्टर शकरन नकीलाबादी, सूफिया, जूलिया ने नौजवान की बात का बुरा बनाए बगैर कहा। अच्छा चलो सूफिया ही सही, और एक मिसाल दूं, डाग हमेश शोल यानी हथौड़े जैसे कांधों वाला कुत्ता, अब बताइए ये नाम है? नौजवान बाकायदा दलीलबाजी पर उतर आया। आप गलत समझ बैठे मिस्टर, ये लफ्ज इस तरह नहीं, अब जूलिया संजीदा हो चुकी थी। अच्छा चलो ये भी गलत सही, और सुनो जैसे X2, नौजवान ने पलके झपकाते हुए कहा और जूलिया को X2 का लफ्ज सुनकर ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके सर पर बम फट पड़ा हो। वो हैरत ज़दा रह गई। क्या मतलब, तुम कौन हो? जूलिया के हवास अभी तक काबू में नहीं आए थे। दरअसल उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि ये पागल सा नौजवान X2 का नाम यूं अचानक ले देगा। तुम और नाम सुनो जैसे राणा तहवर अली संदूकी, अब बताओ संदूकी का क्या मतलब हुआ? और सुनो जैसे प्रिंस ऑफ डम,
अब बताओ ये ढंग क्या बला है। नौजवान अपनी धुन में कहता चला गया। जूलिया पर अब घेरी संजीदगी छा चुकी थी। वो बड़ी कीना तोज नजरों से नौजवान को देख रही थी, जैसे अब वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम मुझे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रही हो? कहीं तुम में अरब खून तो शामिल नहीं कि शुतुर को देखकर खाने का इरादा कर लिया? नौजवान ने घबराते हुए कहा। अपना असल नाम बताओ। जूरिया के लहजे में तलवार की सी काट थी, उसके एसाब तन गए थे। शूतर, अरे बताता हूँ बताता हूँ, नौजवान ने जूलिया के हाथ में रिवॉल्वर देखकर घबराते हुए कहा। जूलिया ने अचानक पर्स से छोटा रिवॉल्वर निकाल लिया था। मुझे अली इमरान MSCDXCOXIN कहते हैं, नौजवान ने कहा। और जूलिया ने यूं तवील सांस लिया जैसे उसके सर से कोई बला टल गई हो। उसने रिवॉल्वर जल्दी से वापस अपने पर्स में रख लिया। तुमने नाम गलत क्यों बताया था? अचानक जूलिया को गुस्सा आ गया। तुमने भी तो मुझे गलत बताया था। क्या कहते हैं, क्या नाम बताया? सोफा, स्प्रिंगो वाला सोफा, लाहौल वाला कुवत। अचानक इमरान ने अपने गालों पर चांटे मारने शुरू कर दिए, जैसे चांटे मारने से उसकी याददाश्त वापस आ सकती हो। होटल में बैठे हुए बाकी लोग हैरत से इमरान की ये हरकत देखने लगे। जूलिया भौंकला गई। चलो चलो ऊपर कमरे में चलो, वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। क्यों, क्या अगवा बिल जबर का इरादा है? मोहतरमा अभी तो मेरी मेज भी नहीं भीगी। इमरान की आंखों में शरारत नाच रही थी और जूलिया बुरी तरह झीम गई। उसे और तो कुछ न सूझा, वो तेजी से कदम उठाती हुई लिफ्ट की तरफ चल दी। इमरान भी उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। कमरे में पहुंचकर जूलिया फट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती यूं पब्लिक में मुझे जलील और रुसवा करते हुए? जूलिया ने गुस्से के लहजे में कहा। आती है आती है आती है, इमरान ने भौंकलाते हुए जवाब दिया और जूलिया खून के घूंट पीकर रह गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को ठंडा किया। इमरान अब भी खामोश बैठा था, जैसे वो बोलना जानता ही ना हो। जूलिया ने पानी का एक गिलास पिया और फिर इमरान के मुकाबले वाले सोफे पर बैठ गई। तुमने अब तक हमसे रابطہ क्यों नहीं किया था? जूलिया ने बड़ी नरम आवाज में पूछा। हमसे? इमरान ने हैरत से इधर उधर देखते हुए कहा और फिर चौंक पड़ा। अरे हाँ, दो हिंसों का जोड़ा कहाँ गया? मुझे मालूम नहीं, इतना मुझे इल्म है कि कैप्टन शकील ने अचानक सफदर को इशारा किया और फिर दोनों आगे पीछे होटल से बाहर निकल गए। तुम्हें कुछ बताया नहीं? इमरान अब संजीदा था। नहीं, जूलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इमरान सोच में डूब गया। थोड़ी देर के लिए घेरी खामोशी रही, फिर इमरान ने तवील सांस ली और जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर जूलिया को दे दिया। ये ट्रांसमीटर है, तुम अभी यहीं रहो। जिस वक्त भी ये दोनों वापिस आए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर मुझे इत्तला दे देना, मैं तुम्हारा मुंतजर रहूंगा, इमरान ने हिदायत देते हुए कहा। लेकिन चक्कर क्या है? जूलिया ने ट्रांसमीटर लेते हुए कहा। किस्मत के चक्कर हैं और हम तो हैं ही सदा के घन चक्कर, समझी? इमरान दोबारा पटरी से उतर रहा था। जूलिया समझ गई कि वो अभी कुछ बताना नहीं चाहता। वो इतना तो अच्छी तरह जानती थी कि जब तक इमरान न चाहे दुनिया की कोई ताकत उससे कुछ मालूम नहीं कर सकती, इसलिए वो खामोश हो गई। खवा मखवा दिमाग खपाने से क्या फायदा। इमरान चंद मिनट तक खामोश रहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, जिस वक्त भी ये दोनों आए मुझे रिपोर्ट जरूर देना। ये कहकर वो तेजी से कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जूलिया ने एक तवील सांस ली और फिर उठकर दरवाजा बंद कर लिया। कौन है ये? दराज कदने हैरत से पूछा। सर ये आदमी, वो आदमी जो सफदर को कवर किए खड़ा था। अभी इतना ही केस थका था कि अचानक सफदर ने झटके से मुड़कर उसकी राइफल पर हाथ डाल दिया, क्योंकि अब वो ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता था। कैप्टन शकील के सर से खून बह रहा था और वो जानता था कि जितनी भी देर हुई उतनी ही कैप्टन शकील की हालत खतरनाक होती चली जाएगी। एक ही झटके से राइफल सफदर के हाथ में आ चुकी थी। सफदर राइफल लेकर फुर्ती से मुड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे दराज कामत के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली सफदर के कान के करीब से गुजरती हुई पीछे आदमी के सीने में बेवस्त हो गई। सफदर बिजली की सी तेजी से एक तरफ हट गया और इससे पहले के दराज कामत दूसरी गोली चलाना चाहता, सफदर ने राइफल उस पर दे मारी, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो राइफल से गोली चलाता। उसकी राइफल पड़ने से दराज कामत के हाथों से रिवॉल्वर निकलकर एक तरफ जा गिरा। दराज कामत ने रिवॉल्वर की तरफ तेजी से जम लगाया, लेकिन सफदर उछलकर उस पर जा पड़ा। उस पर जुनून सवार हो चुका था। दराज कामत ने फुर्ती से मुड़कर बचना चाहा, लेकिन सफदर भला कब उसे मौका देने का रवादवार था। उसने एक जोरदार मुक्का उसकी गर्दन पर मारा, लेकिन फिर सफदर ऊ की आवाज निकालता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। दराज कामत ने उसके पेट पर पूरे जोर से घुटना दे मारा था। सफदर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आंतें बाहर आ गई हों। दर्द की एक शदीद लहर थी जो उसके जिस्म में रवा दवा थी।
उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। दूसरे लम्हे उसके पेट पर एक और लात लगी। सफदर का जिस्म झटका खाकर रह गया। अचानक उसे कैप्टन शकील का ख्याल आया। कैप्टन शकील का तस्वुर आते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे छटने लगे हों। उसने अपनी पूरी कुव्वत इरादी को बरोए कार लाते हुए करवट ली और फिर उसकी यही करवट उसे तीसरी लात खाने से बचा गई। उसने उछल कर दराज कामत की टांग पकड़ ली। दराज कामत अपने ही जोर से नीचे आ गिरा। दराज कामत का सर फर्श से पूरे जोर से टकरा कर रह गया और एक दो झटके खाकर वो बेहोश हो गया। शदीद चोट ने उसे बेहोश कर दिया था। सफदर तेजी से उठा। उसने सर को दोबारा झटका। अब वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। कुदरत ने उसकी मदद की, वरना दराज कद काफी फुर्तीला और ताकतवर साबित हुआ था। उसने कैप्टन शकील की तरफ देखा जिसके सर से अभी तक खून निकल रहा था। उसने दराज कामत का रिवॉल्वर उठाया। उसके पेट में अभी शदीद दर्द था, लेकिन कैप्टन शकील की हालत देखकर उसे अपना दर्द भूल गया। उसने बदख्त कैप्टन शकील को अपनी कमर पर लादा और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। गैलरी सुनसान थी। वो तेजी से कदम उठाता हुआ गैलरी पार करने लगा। एक मोड़ पर जैसे ही मुड़ा, उसे सामने एक आदमी राइफल हाथ में लिए खड़ा नजर आया। सफदर की तरफ उसकी पुश्त थी। सफदर जानता था कि उस शख्स को काबू किए बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि बेहोश शकील भी उसके कांधे पर लदा हुआ था। उसने बड़ी आहिस्तगी से शकील को फर्श पर लिटाया और फिर रिवॉल्वर हाथ में लेकर बड़ी आहिस्तगी से उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने कदमों की चाप बिल्कुल ना उघरने दी, लेकिन अभी 2-3 फीट दूर था कि अचानक वो शख्स मुड़ा और फिर सफदर को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। सफदर ने फौरन मुंह पर उंगली रखकर बड़े पुरस्कार अंदाज में खामोश रहने का इशारा किया। वो आदमी हैरतजदा रह गया। ये एक नफसियाती तरीका था जिसे सफदर ने बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया। अब सफदर उसके करीब पहुंच चुका था। उस वक्त वो शख्स भी होश में आ गया, लेकिन अब वक्त बिल्कुल निकल चुका था। सफदर उछल कर उससे लिपट गया। सफदर का हाथ उसके मुंह पर था। अचानक हमले से राइफल उसके हाथ से गिर गई। उसने अपना मुंह छुड़ाने की बेहद कोशिश की, लेकिन सफदर का दबाव बड़ा सख्त था, चुनाचे चंद नमों बाद वो बेहोश हो चुका था। सफदर ने उसे घसीटकर एक साइड पर डाला और वहां से चल पड़ा, लेकिन मोड़ पर पहुंचकर उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा, क्योंकि कैप्टन शकील वहां से गायब था। बेहोश शकील कहां जा सकता है? सफदर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें और कैप्टन शकील को कहां से ढूंढे। अचानक उसे खतरे का एहसास हुआ कि जिस किसी ने भी बेहोश शकील को उठाया होगा वो जरूर उसकी मौजूदगी से भी वाकिफ होगा। वो फुर्ती से वापस मुड़ा और फिर उसे जैसे होश आ गया। अपने आप पर उसे हंसी भी आई, क्योंकि जल्दी की वजह से और कुछ गलत फहमी की बिना पर वो गैलरी की दूसरी साइड पर मुड़ गया था, जबकि कैप्टन शकील दूसरी साइड पर पड़ा था। उसने फौरन दूसरी तरफ दौड़ लगाई और फिर वहां जाकर फुर्ती से उसने कैप्टन शकील को उठाया और फिर वो सामने के रुख जाने की बजाय इमारत के अकब की तरफ चल दिया। बेहोश शकील समेत पिछली दीवार कूदना नामुमकिन था, इसलिए उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। वो सख्त मुश्किल में फंस चुका था। उधर लम्हा ब लम्हा कैप्टन शकील की हालत खतरनाक होती जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। जहन बिल्कुल माफ होकर रह गया था। बहरहाल उसने सोचा कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। आखिर उसे एक सूरत नजर आ गई। एक साइड पर लकड़ी के बड़े खाली गमले पड़े थे। उन गमलों में पाम के पौधे लगाए जाते थे। कुदरत ने उसकी मदद करनी थी कि उसे वो गमले मिल गए। उसने कैप्टन शकील को नीचे लिटाकर बड़ी तेजी से वो गमले उठाकर उन्हें दीवार के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर रखना शुरू कर दिया। अब वो आसानी उन पर खड़े होकर कैप्टन शकील को दीवार पर लिटा सकता था। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और फिर कैप्टन शकील को दीवार पर लिटाकर वो खुद भी दीवार पर चढ़ गया। अब मसला था दूसरी तरफ उतरने का। और तो कोई सूरत उसे नजर ना आई। उसने कैप्टन शकील को बाजुओं से पकड़कर दीवार की दूसरी तरफ लटका दिया, काफी नीचे जाकर छोड़ दिया। बेहोश कैप्टन शकील हल्की सी आवाज से नीचे जा पड़ा और फिर वह खुद भी नीचे कूद गया। उसी समय सारी कोठी जगमगा उठी। शायद दराज कामत होश में आ चुका था, लेकिन सफदर अब बच निकला था। उसने कैप्टन शकील को उठाकर भागने की कोशिश की ताकि जल्द से जल्द उस माहौल से छुटकारा हासिल हो सके। और फिर चंद सड़कें अबूर करने के बाद उसे एक टैक्सी मिल गई। उसने टैक्सी रोकने के लिए इशारा किया। टैक्सी एक चीख के साथ रुक गई। सफदर ने टैक्सी ड्राइवर को जल्द से जल्द किसी सर्जन के पास पहुंचाने के लिए कहा और टैक्सी ड्राइवर ने उसे जल्द से जल्द एक मुकामी अस्पताल में छोड़ दिया। डॉक्टर को सफदर ने बताया कि ये मेरा दोस्त है, अचानक छत से गिर जाने की वजह से उसे चोट लग गई है।
डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी कि उम्मीद है कि आपका दोस्त बच जाएगा। कुछ देर तो हो चुकी थी लेकिन मामला अभी ना उम्मीद तक नहीं पहुंचा। सफदर को कुछ इत्मीनान हुआ और उसने डॉक्टर के हाथ से जूलिया को फोन करके तमाम पोजीशन कोड वर्ड्स में बता दी। जोसेफ की रिपोर्ट से इमरान को जंगल में मुजरिमों के खुफिया अड्डे के मुतालिक काफी मालूमात हासिल हो गई और जूलिया ने सफदर की रिपोर्ट तफसील से इमरान को ट्रांसमीटर पर बता दी। सफदर की रिपोर्ट में भी 10 करोड़ में 2 शैतानों का हवाला आया था और अफजल ने भी उसका जिक्र किया था। दूसरी तरफ जोसेफ ने भी कुछ शैतानों के मुतालिक जिक्र किया था, इसलिए इमरान समझ गया कि सफदर और कैप्टन शकील ना दानिशगी में मुजरिमों से टकरा गए हैं। कैप्टन शकील की हालत अब बहुत बेहतर थी, डॉक्टर ने उसे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया था। वो अब अस्पताल से वापस होटल पहुंच चुका था। इमरान ने फैसला किया कि वो किसी तरह उनके खुफिया अड्डे में पहुंच जाए तो मुजरिमों के मकसद का इल्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। आखिर उसने बराह रास्त इकदाम का फैसला किया और फिर उसने ट्रांसमीटर पर जूलिया को अहकाम देने शुरू कर दिए। हेलो हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर, इमरान ने कॉल देते हुए कहा। यस जूलिया, दिस एंड इमरान, ओवर, दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब जूलिया, क्या तुमने अपना नाम तब्दील कर दिया है, ओवर, इमरान ने ताज्जुब भरी आवाज में सवाल किया। मैं समझी नहीं, ओवर, जूलिया की हैरत से भरपूर आवाज सुनाई दी। यानी जूलियाना फिटर वाटर की बजाय जूलिया दिस एंड ओवर, इमरान ने जवाब दिया और जूलिया हंस पड़ी। इमरान मतलब बयान करो, जूलिया ने कहा। अगर मैंने मतलब बयान कर दिया तो तुम ट्रांसमीटर उठाकर फर्श पर दे मारोगी, ओवर, इमरान ने मायने खैज लहजे में कहा। यू शट अप, हवा मखवा तंग करने का फायदा, ओवर, जूलिया को गुस्सा आ गया। अच्छा अच्छा, गुस्सा ना करो मिस जूलियाना फिटर वाटर, वैसे ये फिटिस वाटर भी अजीब चुगुद नाम है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे आदमी सोडा वाटर पी रहा हो, ओवर, इमरान ने कहा। मैं ट्रांसमीटर बंद कर रही हूँ, ओवर, जूलिया ने शदीद गुस्से में कहा। अरे अरे सुनो सुनो तो सही, अच्छा भाई काम की बात तो सुन लो, सफदर को कह दो कि 1 घंटे बाद मेकअप में बमा रिवॉल्वर के मुझे शीरी चौक में मिले, बस अब तो खुश हो गई, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। उसे इल्म था कि अगर ट्रांसमीटर फौरी बंद ना किया तो जूलिया सवालात पूछ पूछ कर नाक में दम कर देगी। फिर उसने ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। जोसेफ दी ग्रेट, इमरान ने बुलंद आवाज में कहा तो चंद लम्हों बाद जोसेफ हाजिर था। यस बॉस, मेरे लाइक कोई खिदमत, जोसेफ ने अटेंशन होकर कहा। जी खुश कर दिया तुम्हारी सादतमंदी ने, अगर शराब ना पिए तो आदमी खरा है, इमरान ने खुश होकर चहकते हुए कहा। बॉस मुझे शराब से मना ना किया करो, जोसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ऐसा करो तैयार होकर आओ, जरा हमने जंगल की सैर को जाना है, इमरान ने बड़ी लापरवाही से कहा। क्या फिर शेर से कुश्ती लड़ने का इरादा है बॉस, जोसेफ ने मायने खैज अंदाज में सवाल किया। हाँ अब की बार तुम्हारा दंगल कराऊंगा, इमरान ने कहा। मैं तैयार हूँ बॉस, शेर मेरे सामने क्या चीज है, जोसेफ ने कहा। मैं तो गीदड़ से भी नहीं डरता, इमरान ने फिक्र मुकम्मल कर दिया। ही, जोसेफ का जोरदार कहका बुलंद हुआ। अच्छा अब हंसी मनसूख, जाकर तैयार हो जाओ 2 मिनट में, इमरान ने संजीदगी से कहा और जोसेफ वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दोनों जीप में बैठे हुए शीरी चौक की तरफ जा रहे थे। जीप इमरान चला रहा था, दूर से उसने सफदर को पहचान लिया। वो एक स्टॉल पर खड़ा अखबार पढ़ रहा था। गो उसने अपनी तरफ से काफी कामयाब मेकअप किया हुआ था, लेकिन इमरान की नजरों से भला कैसे छुप सकता था। इमरान ने जीप उसके करीब जाकर रोक दी। जोसेफ जरा इस आदमी को बुलाओ जो अखबार पढ़ रहा है, इमरान ने जोसेफ से कहा। जोसेफ फुर्ती से नीचे उतर गया। वैसे जोसेफ ने सफदर को हरगिज नहीं पहचाना था। मिस्टर, जोसेफ करख आवाज में सफदर से मुखातिब हुआ। क्या है, सफदर झटके से मुड़ा और फिर वो जोसेफ को पहचान गया। आपको बॉस बुला रहे हैं, जोसेफ ने उसी लहजे में कहा। ये कौन सी चुड़िया का नाम है मिस्टर जोसेफ, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाय, तुम मेरा नाम भी जानते हो और फिर बॉस को चुड़िया भी कह रहे हो, जोसेफ इसी तरह हैरत से उसे देख रहा था जिसे उसे सफदर की दिमागी सेहत पर शक कर रहा हो। मुझे सफदर कहते हैं, सफदर ने अपना तारुफ करा दिया। ओहो अच्छा अच्छा, तो ये बात है, जोसेफ ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर दोनों इमरान के पास पहुंच गए। बैठ जाओ, इमरान ने कहा और फिर वो दोनों जीप में सवार हो गए। जीप दोबारा मुख्तलिफ सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगी। इमरान साहब हम कहाँ जा रहे हैं, सफदर से आखिर रहा ना गया। जंगल की सैर करने, इमरान ने मुख्तसर जवाब दिया। सैर करने और वो भी जंगल में, सफदर हैरत से बोला। तुम्हें कोई एतराज़ है, इमरान ने पूछा। नहीं नहीं हरगिज़ नहीं,
जंगल ही में क्या, मैं तो चांद पर भी जा सकता हूँ, सफदर ने हंसते हुए कहा। नहीं, फिलहाल सिर्फ जंगल ही प्रोग्राम में शामिल है, अभी चांद शामिल नहीं हुआ, इमरान ने कहा। और फिर उनकी जीप जंगल में दौड़ने लगी। सफदर, इमरान ने संजीदगी से कहा। जी, सफदर ने भी इमरान को संजीदा देखकर संजीदगी इख्तियार कर ली और फिर उसने सफदर को जंगल में मौजूद अड्डे के मुतालिक बताया। मैंने अब यह सोचा है कि मुजरिमों का मकसद मालूम करने के लिए बराह रास्त इकदाम किया जाए, इसलिए अब हम जा रहे हैं। हमारा मकसद किसी न किसी तरह उनके अड्डे में दाखिल होना है, चाहे कैद होकर क्यों ना जाना पड़े। ठीक है, सफदर ने जवाब दिया। इस दौरान जीप उस इलाके में पहुंच चुकी थी जो खतरनाक था। इमरान ने जीप रोकने की बजाय आगे लेता चला गया। जोसेफ, तुम जगह के मुतालिक बताओ जहां अड्डे का दरवाजा है, इमरान ने जोसेफ से कहा। बॉस, आगे जाकर बाएं हाथ मुड़ जाओ, जोसेफ ने रास्ता बताना शुरू कर दिया। और फिर उनकी जीप उस दरख्त के करीब जाकर रुक गई। क्या बाहर निकला जाए, सफदर ने पूछा। हरगिज नहीं, वरना वो हम पर अपना मखसूस हथियार चला देंगे, इमरान ने जवाब दिया। चंद ही मिनट बाद अचानक इमरान की कनपट्टी से राइफल की नाल आ लगी। उधर जोसेफ के साथ भी यही अशर हुआ। ये आदमी जीप के पीछे से आए थे, वो तादाद में 6 थे। बाहर निकलो, उनमें से एक ने सख्ती से कहा और इमरान खामोशी से बाहर निकल आया। इमरान को बाहर निकलता देखकर सफदर और जोसेफ भी बाहर निकल आए। इनकी जेबों की तलाशी लेकर रिवॉल्वर निकाल लिए गए। आप कौन हैं, उनमें से एक ने बड़े तहक्कुम वाला लहजे में पूछा। तुम्हारा बॉस कौन है, इमरान ने संजीदगी से पूछा। उसके लहजे में वकार था। तुम पहले अपने मुतालिक बताओ, मुखातिब ने इसरार किया। हम मरकजी इंटेलिजेंस से ताल्लुक रखते हैं, इमरान ने बड़े वकार से जवाब दिया। सफदर हैरत से इमरान की तरफ देखने लगा। ओह, उसी लीडर ने कहा। फिर कुछ सोचकर उसने जेब में हाथ डाला और एक मशीन जो यकीनन ट्रांसमीटर था निकालकर उससे किसी को कॉल करना शुरू कर दिया। जल्द ही सिलसिला मिल गया। गुफ्तगू चौंका कोड वर्ड्स में की जा रही थी, इसलिए इमरान वगैरह समझ ना सके। चंद लम्हे गुफ्तगू करने के बाद उसने ट्रांसमीटर जेब में डाल दिया। चलिए, अब उसकी आवाज में नरमी थी। साथ ही उसने इशारा किया और उसके साथियों ने राइफलों का रुख नीचे कर लिया। सफदर तो क्या, इमरान भी उनका मौजूदा रवैया देखकर हैरान रह गया कि मुजरिम इंटेलिजेंस वालों से इस किस्म का सलूक कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की बात तो उसने इसलिए की थी ताकि वो बखैरियत उनके सरबरा तक पहुंच जाए, फिर वहां पहुंचकर जैसे हालात होते वैसे कर लिया जाता। अब तो मामला ही कुछ और हो चुका था। इमरान कोई फैसला ना कर सका। बहरहाल उसने लापरवाही से कंधे झटके और उनके साथ चल दिया। वो दरख्त के सामने पहुंच गए। उसी लीडर ने तने पर हाथ फेरा और दरख्त के तने में मौजूद दरवाजा खुल गया। आप सब लोग अपनी ड्यूटी पर वापस जाएं, लीडर ने अपने साथियों को हुक्म दिया और वो खामोशी से वापस मुड़ गए। चलिए, लीडर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। और फिर वो सब दरवाजे में दाखिल हो गए। वहां से सीढ़ियां उतरकर वो एक गैलरी में पहुंचे और फिर मुख्तलिफ बरामदों में से होते हुए वो एक कमरे के सामने जाकर रुके। ले जाने वाले ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम इन, अंदर से आवाज आई और वो सब अंदर दाखिल हो गए। ये एक बाकायदा ऑफिस था। ऑफिस टेबल के पीछे मिर्जा अशफाक अहमद मौजूद था। उसने आला दर्जे का लिबास पहना हुआ था और उससे एक पुरवकार और जहीन नौजवान मालूम हो रहा था। तशरीफ रखिए, नौजवान ने बड़ी शाइस्तगी से खड़े होकर उन्हें ताजीम दी। इमरान, सफदर और जोसेफ उसके सामने रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। मुझे मेजर अशफाक कहते हैं, उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम अली इमरान है, ये मेरे साथी जोसेफ और सफदर हैं, इमरान ने अपना सही तारुफ कराया। सफदर को वहां भी हैरत का मजीद झटका लगा। वो सोचकर कुछ और आए थे और अव्वल तो मामला ही उलट हो गया था और दूसरे नाम भी इमरान ने सही बता दिए। आप ठंडा पियेंगे या गर्म, मेजर अशफाक ने उनसे पूछा। सफदर को वहां भी हैरत का मजीद झटका लगा। वो सोचकर कुछ और आए थे और अव्वल तो मामला ही उलट हो गया था और दूसरे नाम भी इमरान ने सही बता दिए। आप ठंडा पियेंगे या गर्म, मेजर अशफाक ने उनसे पूछा। चाय पिलवा दीजिए, इमरान पर अब भी संजीदगी का भूत सवार था। क्या मैं आपके शनाती कार्ड देख सकता हूँ, मेजर ने इमरान की तरफ मुतवज्जा होकर कहा। आप देख सकते हैं यकीनन, लेकिन पहले ये बताइए कि ये चक्कर क्या है, आप किस पोजीशन में यहाँ मौजूद हैं, इमरान ने जवाब दिया। ये सब कुछ मैं बाद में तफसील से आपको बता दूंगा, फिलहाल आप अपनी शनाख्त कराइए, मेजर ने संजीदगी से कहा। इमरान ने जेब में हाथ डालकर पर्स निकाला और फिर उसमें से एक कार्ड निकालकर मेजर के आगे रख दिया। मेजर ने कार्ड उठाकर उसे बगौर देखा। सफदर ये तमाम कार्रवाई हैरत से देख रहा था लेकिन खामोश रहा। कार्ड में इमरान को बाकायदा इंटेलिजेंस का ऑफिसर जाहिर किया गया था और तमाम सरकारी मोहरें मौजूद थीं।
मेजर काफी देर तक बगौर कार्ड देखता रहा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कार्ड वापस कर दिया। बाकी 2000 के कार्ड उसने सफदर और जोधा की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरे साथी हैं और मेरे ख्याल में यही काफी है। इमरान ने वकार से जवाब दिया। अब आप अपने मुतालिक बताइए। इमरान ने कार्ड वापस जेब में रखते हुए जवाब दिया, मिस्टर इमरान, ये हमारी हुकूमत का एक इंतहाई खुफिया मंसूबा है। यहाँ हम दूर मार मिसाइल स्टेशन बना रहे हैं ताकि हम अपने पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रख सकें और उसके साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के हमले की सूरत में ये अड्डा हमारी दिफा की एक कड़ी साबित हो। आपको ये तो इलम है कि इस जंगल के ख़त्म होते ही पड़ोसी मुल्क की सरहद शुरू हो जाती है, इसलिए इस अड्डे के लिए ये मुकाम तजवीज़ किया गया है। ये कहकर उसने मेज की दराज से एक फाइल निकाली और इमरान के सामने रख दी। इमरान ने फाइल खोलकर देखना शुरू कर दिया और फिर जूं जूं उसे पढ़ता गया उसके चेहरे पर हैरत के साथ साथ इत्मीनान के तासुरात उभरते चले गए। फाइल में कमांडर इन चीफ, वजीर दफा, सेक्रेटरी वजीर दफा और खुद सदर साहब के अथॉरिटी लेटर मौजूद थे और इस खुफिया अड्डे के मुतालिक तमाम तफासिल मौजूद थी। इमरान ने इत्मीनान का एक तवील सांस लेकर फाइल बंद कर दी। एक चीज़ समझ में नहीं आती मेजर साहब, इमरान ने सवालिया अंदाज में कहा। फरमाइए, मेजर ने खुश इखलाके से जवाब दिया। यहाँ ऊपर शिकारियों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, इमरान ने पूछा। दरअसल मकसद ये है कि हम इस अड्डे को इंतहाई खुफिया रखना चाहते हैं ताकि पड़ोसी मुल्क के जासूसों को इसकी भनक ना मिले, वरना तमाम मंसूबे ख़त्म होकर रह जाता। इसलिए हमें शुरू शुरू में ये जुर्म भी करना पड़ा। ये ठीक है कि इस तरह हमने अपने ही मुल्क के चंद बेगुनाह लोगों को खराब किया, लेकिन इसमें पूरे मुल्क का मुफाद पना था। अगर हम ऐसा ना करते तो ये हमारा मंसूबा नज़र में आ जाता। इसके अलावा जब मशीनें चलती हैं तो इनकी धमक ऊपर पूरी तरह महसूस होती है, मेजर ने कहा। क्या इसकी इजाज़त ले ली गई थी, इमरान ने पूछा। जी हाँ, इसकी बाकायदा हुकूमत से इजाज़त ले ली गई थी। मेजर ने एक और फाइल निकालकर इमरान के सामने रख दी। इमरान ने उसे खोलकर पढ़ा। वाकई हुकूमत की तरफ से इसकी इजाज़त तहरीरी सूरत में दे दी गई थी। एक और बात यह है कि चंद दिनों पहले मेरे इस साथी जोसेफ को पकड़कर यहाँ लाया गया और इसे शदीद जदोकोब किया गया और यहाँ मखसूस किस्म के कोडवर्ड मखसूस हालात में इस्तेमाल किए गए, इमरान ने कहा। दरअसल बात यह है कि ये सब कुछ दुश्मन जासूसों के लिए किया गया था। हमने जोसेफ साहब को भी गैर मुल्की जासूस समझा क्योंकि इनकी कौमियत भी बहरहाल यहाँ की नहीं है, मेजर ने दलील पेश की। क्या नवाब साहब से भी ये मनसूबा खुफिया रखा गया है, इमरान ने पूछा। जी हाँ, ये हुकूमत की ही पॉलिसी है, मेजर ने जवाब दिया। क्या आप मुझे अड्डा देखने की इजाज़त देंगे, इमरान ने सवाल किया। सॉरी सर, इसका मुझे इख्तियार नहीं, वैसे भी अड्डा अभी ज़ेरे तामीर है। मैंने ये तमाम तफासील भी अपनी जिम्मेदारी पर आपको दिखाई है और उसकी वजह यह थी कि आप इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं। आपको ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि आप इस मामले में ज़्यादा भागदौड़ ना करें और ना उलझन का शिकार हों, मेजर ने कहा। ठीक है, इमरान ने जवाब दिया। इतने में चाय आ गई और वो सब चाय पीने में मसरूफ हो गए। चाय पीने के बाद इमरान ने इजाज़त चाही और फिर वो उसी आदमी की रहनुमाई में वापस अपनी जीप तक पहुंच गए। इमरान ने जीप स्टार्ट की और जीप जंगल में दौड़ने लगी। इमरान इस वक्त बड़ी गहरी सोच में गर्क था। इमरान साहब, ये तो मामला ही चौपट हो गया, सफदर पहली बार बोला। हाँ सफदर, है तो ऐसा ही, इमरान ने मुबहम सा जवाब दिया। तो फिर एक्सटू ने हमें यहाँ क्यों भेजा है, क्या ये मनसूबा एक्सटू के इल्म में नहीं था। दूसरे, ये 10 करोड़ में दो शैतानों का चक्कर समझ में नहीं आता, सफदर ने उलझे हुए लहजे में कहा। यही तो एक उलझन है, वैसे मेरा दिल कह रहा है कि हमें अहमक बनाया गया है, मामला कुछ और है, इमरान ने संजीदगी से कहा। लेकिन वो दस्तावेजी सबूत और उनका इखलाक और हमारे साथ रवैया, सफदर ने कहा, यही तो मसला है। बहरहाल मैं इस सिलसिले में एक्सटू से आज ही बात करूंगा कि वो वजारत दफा से इस खुफिया फौजी अड्डे के बारे में तस्दीक करे। रिपोर्ट के बाद जैसा होगा देखा जाएगा। हमें हर वक्त हर घड़ी चौकन्ना रहना होगा। जहाँ तक इस पार्टी का ताल्लुक है जिससे तुम टकराए थे, हो सकता है इसका इस मामले से कोई ताल्लुक ना हो और कोडवर्ड का मिलना इत्तेफाक ही हो। बहरहाल अभी इस बारे में सही तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। फिर इमरान ने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। वो जल्द अज जल्द महल पहुंच जाना चाहता था ताकि इस सिलसिले में फौरी तौर पर सर सुल्तान से रब्ता कायम कर सके। इमरान को संजीदा देखकर सफदर भी खामोश रहा। जल्द ही जीप शहर में दाखिल हो गई। इमरान ने जीप सनराइज होटल के सामने रोक दी। सफदर तुम जाओ, मैं कल तुम लोगों से मिलूंगा, इमरान ने कहा और सफदर उतरकर होटल में चला गया और इमरान ने जीप आगे बढ़ा दी।
तो मामला टाई टाई फिश हो गया। कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा, टाई टाई फिश नहीं, टाई टाई पैरोट का हो, क्योंकि फिश मछली तो टाई टाई नहीं कर सकती, पैरोट तोता ही टाई टाई करता है, इमरान ने जवाब दिया। और जूलिया और सफदर दोनों हंस पड़े। इमरान साहब, महावरों की मट्टी पलीद करना कोई आपसे सीखे? कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा, मट्टी का पलीद होना मेरी समझ में नहीं आता, हर कोई मट्टी पलीद ही करना ही चाहता है, मट्टी पाक करना कोई नहीं कहता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सब सनराइज होटल के हॉल में बैठे हुए थे। इमरान ने उन्हें बताया कि X2 ने तस्दीक कर दी है कि मेजर बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी मुहावरा है इमरान साहब, सफदर ने हंसते हुए कहा। वैसे ये केस भी जिंदगी भर याद रहेगा, अब तक तो आखिर में मुजरिमों को पकड़कर खुश हुआ करते थे, अब खुद शर्मिंदा होना पड़ा। कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा, तो अब क्या दारुल हुकूमत वापस चलें? जूलिया ने बेजारी से कहा। तो और क्या, जिंदगी भर यहीं डेरा डालने का इरादा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इमरान साहब, वो पार्टी जिससे हम टकराए थे उसका क्या बनेगा? सफदर ने सवाल किया। शैतान तो वो बन ही चुके हैं, अब उन्होंने और क्या बनना है? इमरान ने जवाब दिया। अचानक सफदर एक शख्स को देखकर बुरी तरह चौंका। वो शख्स अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। कौन है ये? इमरान ने पूछा। शैतानों की पार्टी का आदमी है, इसे मैंने उसी कोठी में देखा था, सफदर ने जवाब दिया। फिर तो अपनी ही पार्टी का हुआ, इमरान ने जवाब दिया। अब वो शख्स एक मेज पर बैठ चुका था। क्या मतलब? सफदर ने पूछा। भाई, हमसे बड़ा शैतान भी कोई हो सकता है? इमरान ने मुंह बनाकर कहा। तुम हो गए शैतान, हम क्यों होने लगे? जूलिया ने गुस्से से कहा। उसे दरअसल इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इस केस में उसकी पोजीशन जीरो रही। सफदर और शकील ने तो चलो कुछ काम भी कर लिया, वो तो सिर्फ होटल में रहने के अलावा और कुछ ना कर सकी थी। तो तुम शैतान नहीं हो, बल्कि तुम्हें शैतानी कहना चाहिए। क्यों सफदर, शैतान की मोहन्नत शैतानी ही होगी ना? इमरान ने कहा। शैतानी नहीं बल्कि शैतानिया कहिए, सफदर ने कहा। शट अप, जूलिया ने गुस्से से कहा। आहिस्ता बोलो सफदर, किसी पब्लिशर ने शैतानिया का लफ्ज सुन लिया तो अपने ताजा रोमानवी नावल का नाम रख लेगा, क्योंकि नावलों की बड़ी शॉर्टेज है आजकल। इमरान ने जूलिया की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उस सब के साथ जूलिया भी खसियानी हंसी हंसने लगी। इमरान साहब, आपने उस कोठी का पता चलाया जिससे हम फरार हुए थे? कैप्टन शकील ने सवाल किया। कम अज कम तुम तो फरार नहीं हुए थे, तुम्हें तो लाद कर लाया गया था। वैसे वो कोठी खाली पड़ी है, इमरान ने जवाब दिया। मैं सफदर का बड़ा ममनून हूँ, इसी की कोशिश से मेरी जिंदगी बची है, शकील ने बड़ी तमानियत से सफदर की तरफ देखते हुए कहा। अरे छोड़ो दोस्त, अगर मैं तुम्हारी पोजीशन में होता तो क्या तुम वही ना करते जो मैंने किया था? सफदर ने कहा। यकीनन, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। बस तो फिर ममनूनियत कैसी? सफदर ने कहा। इतने में वो शख्स चाय पीकर हॉल से बाहर जाने लगा। जूलिया, तुम्हारे लिए काम निकल आया, तुम इस शख्स का ताकुब करो, यकीनन कोई ना कोई काम तुम्हें मिल ही जाएगा, इमरान ने जूलिया से कहा। और जूलिया फौरन उठ खड़ी हुई और फिर वो भी उस शख्स से पीछे चलती हुई हॉल से बाहर निकल गई। आपने मिस जूलिया को क्यों भेज दिया? मैं चला जाता, सफदर ने पूछा। अब जूलिया यहाँ आई है तो कोई ना कोई काम तो कर ही ले, इमरान ने लापरवाही से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, थोड़ी देर बाद, इमरान ने कहा। दारुल हुकूमत वापसी कब होगी? सफदर ने पूछा। फिलहाल कोई पता नहीं, इमरान ने जवाब दिया और फिर वो आहिस्ता से चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। बाहर नवाब साहब से हासिल की हुई कार खड़ी थी, वो कार में बैठ गया। कार तकरीबन रेंगती हुई कंपाउंड से बाहर निकली। सड़क पर आकर उसकी रफ्तार तेज हो गई। अगले मोड़ पर अचानक इमरान एक कार को देखकर चौंका और फिर उसने अपनी कार उस कार के पीछे लगा दी। अगली कार को मेजर अशफाक चला रहा था। इमरान बगैर किसी मकसद के उसका ताकुब करने लगा। मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई कार वाटसन कॉलोनी की एक कोठी के कंपाउंड में चली गई। इमरान ने कार कोठी से काफी फासले पर रोक दी और फिर उतरकर टहलता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। उसने गेट पर नजर डाली, लेकिन वहां कोई नीम प्लेट मौजूद नहीं थी। वो वापस कार तक चला आया और फिर वो काफी देर तक कार में बैठा मेजर के बाहर निकलने का इंतजार करता रहा, लेकिन मेजर बाहर नहीं निकला। अचानक उसे ख्याल आया कि कोठी में घुसकर देखा जाए कि मेजर यहाँ किससे मिलने आया है। दरअसल वो जहनी तौर पर अभी मुतमईन नहीं हुआ था। उसका जहन बार बार कह रहा था कि मामला इतना सीधा साधा नहीं जितना कि जाहिर हुआ है। इसी खुलजान के तहत उसने मेजर का ताकुब किया था, चुनाचे उसने कोठी में दाखिल होने का फैसला कर लिया। वो अब कार से उतरकर कोठी की पुश की तरफ जाने लगा और फिर एक दरख्त के जरिए वो बड़ी आसानी से कोठी की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गया। कोठी काफी वसी और अरीज थी। वो सीने के बल रेंगता हुआ बरामदे तक पहुंच गया। बरामदा तारीख था। बरामदे से रोशनी की एक हल्की सी लकीर बाहर आ रही थी।
उसने की होल से आंख लगा दी। कमरे में इस वक्त मेजर अशफाक मौजूद था। मेजर की पुश्त इमरान की तरफ थी। मेजर के सामने एक और दराज कामत लेकिन दुबला पतला आदमी बैठा हुआ था और दोनों गुफ्तगू में मसरूफ थे। इमरान को ख्याल आया कि कहीं वही दराज कामत ना हो जिसका जिक्र सफदर और कैप्टन शकील ने किया था। उसने उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए की होल से कान लगा दिया। मिस्टर तालिब, गो मैंने इंटेलिजेंस के आदमियों को मुतमईन कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, मिशन बड़ा अहम है और हम मिशन की तकमील के करीब हैं। मेजर की आवाज़ सुनाई दी। मेरे ख्याल में तो मामला निपट ही गया। वैसे तुम उनका हुलिया बता दो, मैं अपने आदमी उनके ताकुब में लगा दूंगा जब तक वो दारुल हुकूमत वापस नहीं चले जाते। दूसरे आदमी की आवाज़ सुनाई दी। अरे उनका लीडर तो वही है जो नवाब साहब के यहाँ ठहरा हुआ है, मेजर ने कहा। ओह अच्छा, फिर तो अफजल वहाँ मौजूद है, तालिब ने मुतमईन अंदाज में कहा। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। दराज कामत ने रिसीवर उठा लिया। यस, तालिब ने कहा, तुम उसे लेकर कोठी पर आ जाओ फौरन। यह कहकर तालिब ने रिसीवर रख दिया। कौन था, मेजर ने पूछा। नंबर 11 था, वो बता रहा था कि होटल सन जैसे कोई गैर मुल्की लड़की उसका ताकुब कर रही थी, उसने उसे बेहोश कर लिया है, तालिब ने जवाब दिया। गैर मुल्की लड़की, अरे ये उसी पार्टी की ना हो जिसके आदमी को नौशीना ने इशारा किया था, मेजर ने चौंकते हुए कहा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, नौशीना की मौत के बाद उस पार्टी का कोई पता नहीं चल रहा था, शायद कोई क्ल्यू मिल जाए, तालिब ने जवाब दिया। उधर इमरान गैर मुल्की लड़की के मुतालिक सुनकर चौंका। वो समझ गया कि ये जूलिया ही होगी। अब वो किसी महफूज जगह पर पहुंचना चाहता था ताकि जूलिया को छुड़वा सके। उसने इधर उधर देखा, बरामदे से ही उसे सीढ़ियाँ नजर आ गईं। वो आहिस्ता से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और फिर वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। यहाँ उसे एक गैसी गैलरी मिल गई जिसमें पहली मंजिल के तमाम कमरों के रोशनदान थे। ये एक इंतहाई महफूज जगह थी। दो रोशनदान रोशन थे, वो यकीनन उसी कमरे के होंगे। वो एक रोशनदान के साथ लगकर बैठ गया। उसने आहिस्ता से रोशनदान को दबाया और रोशनदान जरा सा खुल गया। ये वाकई वही कमरा था। उसने गैर महसूस तरीके से रोशनदान को काफी खोल लिया था। अब वो आसानी से कमरे में देख भी सकता था और उनकी गुफ्तगू को सुन भी सकता था। दोनों खामोश बैठे कुछ सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, फिर वही शख्स जो उन्हें होटल में मिला था बेहोश जूलिया को कांधों पर लादे अंदर दाखिल हुआ। नंबर 11, इस लड़की को सामने वाली कुर्सी पर बिठाकर अच्छी तरह बांध दो, तालिब ने उसको हुक्म दिया और उसने हुक्म की तामील की। इसे होश में लाओ, तालिब ने कहा और नंबर 11 ने मेज पर पानी का गिलास उठाकर जूलिया के मुंह पर छींटे मारने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों में जूलिया होश में आ गई। होश में आने के बाद वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, जैसे सोच ही रही हो कि वहां कैसे आ गई है। तालिब और मेजर उसके सामने आ खड़े हुए। तुम कौन हो और इसका क्यों ताकुब कर रही थी, तालिब ने बड़े ताकुमाना लहजे में पूछा। ताकुब, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं क्यों इसका ताकुब करती और तुमने मुझे बांध क्यों रखा है। जूलिया बड़ी अच्छी अदाकारी कर रही थी, सीधी तरह बता दो लड़की, वरना ख्याल रहे मुझे औरतों पर तशद्दुद करते हुए कतई रहम नहीं आता, तालिब की आवाज में बे इंतहा सख्ती थी। एक बार कहा तो है कि मैं कोई ताकुब नहीं कर रही थी, छोड़ो मुझे, जूलिया ने गुस्से से जवाब दिया। नंबर 11, तालिब ने उसी शख्स से मुखातिब होकर कहा जो जूलिया को लेकर आया था। यस सर, नंबर 11 ने मुतबाना लहजे में कहा। चाकू ले आओ, तालिब ने कहा। मेरे पास मौजूद है, नंबर 11 ने जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाल कर खोल लिया। इसकी नाक काट दो, तालिब ने बेरहमी से कहा और नंबर 11 चाकू लेकर जूलिया की तरफ बढ़ा। इमरान ने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ठहरो, मैं पूछता हूँ, मेजर ने नंबर 11 को रोकते हुए कहा। नंबर 11 रुक गया। बताओ लड़की, तुम कौन हो और किस लिए इसका ताकुब कर रही थी, अगर तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, वरना ये सख्त बेरहम वाकये हुए हैं, मेजर की आवाज़ में बड़ी मिठास थी। ये हकीकत है कि मैं कुछ नहीं जानती, आप लोगों को गलत फहमी हुई है, जूलिया अपनी बात पर खड़ी रही। नंबर 11, जो तुम्हें कहा गया है करो, ये ऐसे नहीं मानेगी, तालिब ने कहा और नंबर 11 एक बार फिर जूलिया की तरफ बढ़ा। ध्यान रखना कहीं ये भी नौशीने की तरह मर ना जाए, मैनेजर ने तालिब से मुखातिब होकर कहा। नहीं, मैं इसे मरने नहीं दूंगा, तालिब ने जवाब दिया। इतने में नंबर 11 के भयानक चाकू की नोक जूलिया की आंख के करीब पहुंच गई। जूलिया का रंग फक हो गया। निकाल दो आंख, तालिब ने कहा और नंबर 11 का हाथ उठा। ठहरो ठहरो, जूलिया हजियानी अंदाज में चीखी। नंबर 11 रुक गया। तुम लोग क्या पूछना चाहते हो, जूलिया ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है, तालिब ने सवाल किया। सूफिया, जूलिया ने जल्दी से जवाब दिया। रिहाइश, तालिब ने कहा। सनराइज होटल में, जूलिया ने जवाब दिया।
दारुल हुकूमत से आई हो? तालिब ने पूछा। हाँ, जूलिया ने मुख्तसर जवाब दिया। इसका ताकुब क्यों कर रही थी? तालिब ने सवाल किया, लेकिन जूलिया खामोश रही। बताओ, तालिब धाड़ा। मुझे बॉस ने हुक्म दिया था, आखिरकार जूलिया बोली। तुम्हारा बॉस कौन है? तालिब की आवाज में अब कदरे नरमी थी। मैंने उसे कभी नहीं देखा, सिर्फ आवाज सुनी है, जूलिया रुक रुक कर बता रही थी। क्या नाम है तुम्हारे बॉस का? तालिब ने कहा। 04, जूलिया ने जवाब दिया। 04, ये क्या हुआ? तालिब ने हैरत से दोहराया। वो अपने आप को यही कहकर पुकारता है, जूलिया ने जवाब दिया। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बॉस ने इसके ताकुब का हुक्म क्यों दिया था? तालिब ने पूछा। नहीं, मुझे सिर्फ ताकुब का हुक्म मिला था, जूलिया ने जवाब दिया। तुम बॉस को रिपोर्ट कैसे देती? तालिब ने कहा। वो खुद फोन करके पूछ लेता है, जूलिया बड़ी अच्छी अदाकारी कर रही थी। तुम कब से यहाँ मौजूद हो? तालिब ने कहा। एक हफ्ते से, जूलिया ने जवाब दिया। अब तक तुमने और क्या काम किए हैं? तालिब ने कहा। कुछ नहीं, पहला काम यही ताकुब था, जूलिया ने कहा। तुम्हारे साथ और कितने आदमी आए हुए हैं? तालिब ने सवाल किया। मुझे इल्म नहीं, जूलिया ने जवाब दिया। तुम सच कह रही हो? तालिब ने पूछा। बिल्कुल, जूलिया ने एतमाद से कहा। नंबर 11, इसे बेहोश करके किसी चौक में डालाओ, ये हमारे काम की नहीं है। तालिब ने अचानक नंबर 11 को हुक्म दिया और नंबर 11 ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका दस्ता जूलिया के सर पर रसीद कर दिया। जूलिया का सर लटक गया, वो बेहोश हो चुकी थी। मेरे ख्याल में ये झूठ बोल रही है, ये अपने बॉस को जानती है, अब ये होश में आकर सीधी वहीं जाएगी। मैं नंबर 11 को इसके ताकुब में भेज देता हूँ, हमें इसके बॉस का पता चल जाए तो फिर मामला आगे बढ़ेगा, तालिब ने मेजर से मुखातिब होकर कहा। हाँ, ये तो ठीक है, इस तरह हम बड़ी आसानी से सरगुना तक पहुँच सकते हैं, लेकिन नंबर 11 मेकअप कर ले ताकि ये उसे पहचान न ले, मेजर ने कहा। नंबर 11, तुम मेकअप करके इस लड़की को कहीं दूर डाल दो और फिर जब उसे होश आ जाए तो इसका ताकुब करो और मुझे रिपोर्ट दो, तालिब ने कहा। ओके सर, नंबर 11 ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल गया, शायद वो मेकअप करने गया था। अच्छा तालिब, मैं चलता हूँ, किसी खास बात का इल्म हो तो मुझे जरूर बताना, मेजर ने कहा। ओके, तालिब ने कहा और फिर उससे हाथ मिलाकर कमरे से बाहर चला गया। अब इमरान का वहां रुकना बेकार था, चुनाचे वो बड़ी आहिस्तगी से सीढ़ियों से उतरता हुआ बरामदे में आया और फिर चंद लम्हों बाद वो पिछली दीवार से छलांग लगाकर अपनी कार की तरफ जा रहा था। फिर उसकी कार सनराइज होटल की तरफ दौड़ने लगी। सनराइज होटल पहुंचकर वो सीधा सफदर के कमरे में पहुंचा। सफदर, जूलिया वापस पहुंचे तो तुम दोनों उससे कतई शनासाई जाहिर ना होने देना और जूलिया को भी फोन पर बता देना कि वो तुम लोगों से अलहदा रहे, बाकी बातचीत वो ट्रांसमीटर पर मुझसे कर लेगी, इमरान ने उसे हिदायत दी। मगर बात क्या है? सफदर ने हैरत से पूछा। जूलिया मुजरिमों की नजर में आ गई है, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मुजरिम? सफदर ने हैरत से कहा। हाँ सफदर, मामला वाकई कुछ गड़बड़ है, अभी हमें यहीं रुकना होगा, इमरान ने मुबहम सा जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि सफदर कोई और सवाल करता, इमरान तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। सफदर आंखें फाड़े रह गया, आजकल इमरान की गैर मामूली संजीदगी उसकी समझ से बालातर थी। रात के 2 बजे थे, जंगल में बेहाना सकूत तारी था, कभी कभार दूर से किसी शेर की धार इस खामोशी के तिलसम को धर्म भरम कर देती, फिर वही ऐसाब शकन खामोशी तारी हो जाती। इमरान सयाह कपड़ों में मलबूस बड़े मोहताज अंदाज में जंगल में चला जा रहा था, वो बार बार रुककर चारों तरफ देखता और फिर आगे बढ़ने लगता। जंगल में काफी दूर बढ़ आने के बाद अब वो और भी ज्यादा मोहताज हो गया, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक डेंजर जोन शुरू हो गया था। एक दरख्त के करीब पहुंचकर उसे खतरे का एहसास होने लगा, वो उस दरख्त के तने से चिमट गया। अंधेरे में काफी दूर चलने के बाद अब उसकी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं। वो और भी गौर से और तवज्जो से चारों तरफ देख रहा था। फिर उसने अपने से तकरीबन 4 दरख्त आगे एक सिया पोश को दरख्त पर बैठा देख लिया। उसने इत्मीनान का सांस लिया कि अब वो बरवक संभल गया था, वरना बेखबरी में मारा जाता। उनकी गर्दनें काटने वाली मशीनें वाकई खतरनाक थी, और फिर अंधेरे के तीर को कौन रोक सकता है? वो जमीन पर लेटकर रेंगने लगा। वैसे उसे सांप और दीगर जहरीले जानवरों का भी खतरा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारेकार भी नहीं था। वो मुतवातिर रेंगता रहा, उसके रेंगने की रफ्तार इंतहाई सुस्त थी, हद से ज्यादा सुस्त। अब वो उस दरख्त से पहले दरख्त के नीचे पहुंच गया। वो चंद लम्हे तक वहीं पड़ा माहौल का अंदाजा करता रहा, फिर उसने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल नुमा आला निकाला और सामने के रुख उसकी नाल करके ट्रिगर दबा दिया। एक लम्हे बाद उससे तकरीबन 100 गज दूर झाड़ियों में ससराहट हुई।
जैसे कोई चीज आहिस्ता से गुजरी हो। इस हथियार का कमाल था कि इससे खास किस्म का रॉकेट निकलता था जो 100 गज दूर जमीन पर तकरीबन 6-7 फीट घसीटता था कि सुनने वाले को यही अंदाजा होता कि वहां से कोई चीज गुजरी है। यह हथियार इमरान की ही इजाद थी और वही इससे काफी काम लेता था। जिस जगह ससराहट हुई एक लम्हे बाद वहां जू जू की आवाजें आने लगी। चंद लम्हे बाद अचानक एक दरख्त से आवाज आई, नंबर 6 लाइट डालो। ये शायद गीदड़ की आवाज थी। एक मर्दाना आवाज सुनाई दी और फिर वहां टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी। लेकिन वहां कुछ होता तो मिलता, लेकिन इमरान का मकसद हल हो गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि उनका लीडर किस दरख्त पर है। अब उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि लीडर कहाँ है। लाइट बुझ गई, कोई भी नहीं है। नंबर 2, जिस दरख्त से टॉर्च जलाई गई थी वहां से आवाज आई, ठहरो मैं खुद उतर कर वहां देखता हूँ। मशीन फायर ना करना और टॉर्च जलाए रखो, लीडर की दोबारा आवाज आई। टॉर्च दोबारा जलने लगी। टॉर्च काफी से ज्यादा ताकतवर थी। लाइट के सर्कल में हर चीज साफ और रोशन नजर आ रही थी। इमरान ने जिस दरख्त का अंदाजा लगाया था वो सही निकला। उनका लीडर वहीं से उतरा और फिर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ लाइट स्पॉट की तरफ बढ़ा। लाइट स्पॉट में आकर अचानक वो रुक गया। न जाने कैसे उसका नकाब खुलकर नीचे गिर पड़ा था, शायद मजबूती से ना बंधा होगा। उसने नीचे झुककर नकाब उठाया और फिर वहीं खड़े हुए दोबारा मुहर लगाने लगा। लेकिन इमरान के जहन में उसके चेहरे के तमाम खतूत नक्श हो चुके थे। कुदरत उस पर मेहरबान थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक किस तरह लीडर का चेहरा सामने आ जाएगा। लीडर यानी नंबर 2 काफी देर तक वहां इधर उधर देखता रहा, फिर वापस अपने मुकाम की तरफ मुड़ गया। टॉर्च बुझा दो, कुछ नहीं है, कोई सांप वगैरह होगा, निकल गया, उसने जाते जाते हुक्म दिया और फिर वो वापस अपने मखसूस दरख्त पर चढ़ गया। टॉर्च बुझ गई। अब वहां दोबारा अंधेरा छा गया। इमरान अब वापस रेंगने लगा। काफी दूर जाने के बाद वो मुड़ा और फिर दाएं जानिब रेंगता रहा। इस तरह काफी देर तक रेंगने के बाद वो चक्कर काटकर अपने अंदाजे के मुताबिक नंबर 2 वाले दरख्त करीब पहुंच गया। इतनी देर रेंगने की वजह से उसकी कोहनियों और घुटनों में दर्द होने लगा, लेकिन इमरान उसकी कब परवाह करता था। और फिर वो उस दरख्त के नीचे रुक गया। वो इस वक्त शदीद खतरे में था क्योंकि कोई भी चेक कर लेता तो गर्दन कट सकती थी। उसने एक बार फिर जेब से वही मखसूस हथियार निकाला और मुखालिफ सिमत में 2 फायर कर दिए। वही मखसूस ससराहट हुई। वो समझ गया कि सबकी तवज्जो उन्हीं ससराहटों वाले मुकाम की तरफ हो गई होगी, इसलिए वो तेजी से उठा और फिर फुर्ती लेकिन बेहद एहतियात से दरख्त पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो काफी ऊंचा चला गया। अब उसे दरख्त पर बैठा हुआ लीडर साफ नजर आने लगा। लीडर का मुंह उधर ही था जिधर ससराहटें हुई थी। वो ऊपर चढ़ गया। अब वो उसके करीब पहुंच गया, लेकिन बेहद एहतियात के बावजूद नंबर 2 ने उसकी हाट सुन ली और वो एकदम चौंका और इमरान की तरफ देखने लगा। उसे यकीनन इमरान की वहां मौजूदगी का तस्वर भी ना होगा, इसलिए वो चंद लम्हे तक देखता रह गया। अब इमरान के लिए छुपना बेकार था। उसने तेजी से जंप किया और दूसरे लम्हे उसी शाख पर पहुंच गया और फिर इससे पहले के नंबर 2 कोई आवाज निकालता, इमरान का एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द हाइल हो गया और दूसरा हाथ उसके मुंह पर मजबूती से जम गया। इमरान खुद एक और शाख से टेक लगाए खड़ा था। नंबर 2 ने जद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन इमरान जानता था कि हरकत करने से वो कहीं नीचे न गिर पड़े, इसलिए इमरान ने गिरफ्त मजबूत कर दी। नंबर 2 हिल भी ना सका। चंद लम्हों बाद नंबर 2 की गर्दन ठलक गई। सांस बंद होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। अब मसला था नंबर 2 को ठिकाने लगाने का। इमरान का जहन उलझ कर रह गया। उसे इस प्रॉब्लम का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। अगर वो नंबर 2 को छोड़ता तो वो यकीनन नीचे जा गिरता और फिर मामला खराब हो जाता और फिर उसकी रेडीमेड खोपड़ी ने काम दिखाया और सारा मामला हल हो गया। उसने एक हाथ से नंबर 2 को संभाले रखा और दूसरे हाथ से अपनी बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। बेल्ट खोलकर उसने बड़ी एहतियात से नंबर 2 की गर्दन को एक तने के साथ बेल्ट से कस दिया। अब नंबर 2 गर्दन के बल तने से लटक रहा था। वो दम घुटने की वजह से मर भी सकता था, मगर इमरान को अब क्या परवाह थी। उसने नंबर 2 का नकाब उतारा और खुद पहन लिया और अपना नकाब उसे पहना दिया। फिर उसने जेबों की तलाशी ली। जेब से एक अजीब सी साख का पिस्तौल निकला। इमरान समझ गया कि ये वही गर्दन काटने वाला आला होगा। उसने उसे जेब में रख लिया। फिर वो वहीं एक तने पर टेक लगाकर सोचने लगा। मसला था नंबर 2 को ठिकाने लगाने का, लेकिन कोई सूरत समझ में नहीं आ रही थी। उधर वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे एहसास भी था कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है उसकी पोजीशन खराब होती जा रही है। सुबह होने वाली थी, उसे जो कुछ भी करना था सुबह होने से पहले ही करना था।
उसने नंबर टू को पकड़कर बैग खोलनी शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया था कि नंबर टू दम घुटने की वजह से मर चुका है। उसने बैग वापस बंद कर दी। उसे एक ख्याल आ गया था। उसने नंबर टू की लाश को टटोला और फिर नंबर टू की कमर से बंधी हुई बेल्ट भी खोल ली। उसने अपनी बेल्ट के क्लिप में दूसरी बेल्ट फंसाई। अब बेल्ट डबल हो चुकी थी। उसने नंबर टू की लाश को कमर पर लादा और ऊपर से बेल्ट के जरिए अपने जिस्म से अच्छी तरह कस लिया। फिर उसने जेब से सरसराहटों वाला पिस्तौल निकाला और पीछे के रुख पर फायर कर दिया। मखसूस सरसराहट पैदा हुई। ये क्या बात है आज, ये कैसी सरसराहट है, इमरान ने नंबर टू की आवाज में कहा। मालूम नहीं सर क्या मामला है, एक और तरफ से आवाज आई। ठहरो मैं देखता हूँ, तुम बैठे रहो। टॉर्च वगैरह जलाने की भी जरूरत नहीं और ना ही मशीन फायर करना, इमरान ने कहा। ओके सर, जवाब आया और इमरान आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा और फिर दरख्त से उतरकर तेजी से मुखालिफ सिमत चलने लगा। वो दरअसल दूसरों को ये मौका भी नहीं देना चाहता था कि वो गौर करें। काफी दूर तक चलने के बाद जो उसने महसूस किया कि वो इन लोगों से खासा दूर निकल आया है। उसने बेल खोलकर नंबर टू की लाश को नीचे रखा और फिर जेब से चाकू निकालकर नंबर टू की लाश के चेहरे को बिगाड़ने लगा। लाश पर चाकू चलाना खासा कर राहत आमेज काम था, लेकिन बदरजाए मजबूरी वो ये काम भी सरंजाम देता रहा। जब उसने महसूस किया अब उसे पहचाना नहीं जा सकता, तो उसने जल्दी जल्दी उसके कपड़े उतारे और उसे एक घेरे से खड़े में फेंक दिया। उसने ये सब काम खासा जल्दी में किया था क्योंकि ज्यादा देर दूसरों को शक में भी मुब्तला कर सकती थी। चाकू उसने घास पर साफ किया और बंद करके जेब में डाल लिया। अब वो तेजी से वापस दरख्त की तरफ चला। कोई भी नहीं है, मैं अच्छी तरह देख आया हूँ, उसने दरख्त के पास आकर जोर से कहा और फिर दरख्त पर चढ़ गया। अब वो इत्मीनान से दरख्त पर बैठ गया। मुकद्दर ने साथ दिया था और सबसे बड़ा मसला हल हो चुका था। वैसे अब उसे सोचकर हैरानी हो रही थी कि ये सब कुछ बखैर खूबी कैसे हो गया। बहरहाल चूंकि सब कुछ हो चुका था इसलिए उसे कुदरती तौर पर खुशी हो रही थी। सुबह के 6 बजे दरख्त के तने वाला दरवाजा खुला। वहां से 6-7 नकाबपोश बाहर निकले। इमरान समझ गया कि ड्यूटी तब्दील होने का वक्त आ गया है। चुनाचे वो दरख्त के नीचे उतर आया और फिर मुख्तलिफ दरख्तों से 6-7 नकाबपोश उतर आए। आने वालों में से एक सीधा इमरान की तरफ आया। इमरान के करीब आकर वो रुक गया। उसने आहिस्ता से कहा, शैतान। इमरान एक लम्हे के लिए झिझका, फिर उसने अंदाजे से जवाब दिया, 10 करोड़ में 2 शैतान। ओके डियर, उसने जवाब दिया और इमरान और उसके साथी दरवाजे में दाखिल हो गए। इमरान एक दफा पहले आ चुका था इसलिए वो बड़े आराम से गुजरता चला गया। एक कमरे के सामने वो रुक गया। उस कमरे में बड़ा सा सुरख 2 का हिंसा पड़ा हुआ था। उसने सोचा नंबर 2 का यही कमरा होगा। उसने आहिस्ता से दरवाजा बंद करके चुटखनी लगा दी और फिर मुंह से नकाब उतारा और फिर जेब से मेकअप बॉक्स निकालकर बाथरूम में घुस गया। नंबर 2 का चेहरा उसके जहन में था, चुनाचे उसने मेकअप करना शुरू कर दिया। मेकअप चूंकि उसने अंदाजे से किया था इसलिए उसे शक भी था कि आया उसने सही मेकअप भी किया है या नहीं, क्योंकि वो जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। चुनाचे उसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे मेज की दराज से नंबर 2 की तस्वीर मिल गई और फिर ये देखकर वो अपने जहन और याददाश्त की दाद देने लगा कि उसने सिर्फ अंदाजे के बिना पर इतना मुकम्मल मेकअप कर लिया। उसने उन कागजात को बगौर पढ़ना शुरू कर दिया जो मेज की दराज से निकले थे। उन कागजात से उसे इल्म हो गया कि नंबर 2 का असल नाम रॉबर्ट है और वो पड़ोसी मुल्क का रहने वाला है। ये एक अहम इंकशाफ था। अब इमरान की समझ में कुछ कुछ साजिश आती जा रही थी कि लेकिन ये सिर्फ अंदाजे ही थे। अभी वो कागजात का मुताले में ही मसरूफ था कि दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। उसने जल्दी से कागजात दोबारा दराज में डाले और खुद उठकर दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसका अंदाज मोतबाना था। क्या बात है, इमरान ने उसका अंदाज महसूस करते हुए ताकुमाना लहजे में पूछा। सर आपको चीफ बुला रहे हैं, मगर उसने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मगर क्या लगा रखी है, सीधी तरह बात करो, इमरान ने आंखें दिखाई। सर अभी तक आपने कपड़े भी नहीं बदले, उसने आखिर कह ही दिया। तुम अपने काम से काम रखो, इमरान ने उसे बुरी तरह झड़क दिया। सॉरी सर, उसने सर झुकाकर कहा और फिर वो कमरे से बाहर चला गया। इमरान ने कपड़ों वाली अलमारी खोली। उसे एक सूट जरा सा मेला नजर आ गया कि ये 1-2 दिन का पहना हुआ है। उसने फुर्ती से वही सूट पहन लिया और फिर वो दरवाजा बंद करते हुए गैलरी में चला गया। उसे यकीन था कि चीफ वही मेजर अशफाक ही होगा और उसका दफ्तर वो पहले देख चुका था, इसलिए उसे वहां तक जाने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़ा। वो दरवाजे के पास पहुंचकर एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने एक तनकीदी नजर अपने सरापे पर डाली और फिर मुतमईन होकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कम इन।
अंदर से आवाज आई और इमरान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेजर अशफाक मेज के पीछे मौजूद था। शैतान, मेजर अशफाक ने बगौर उसे देखते हुए कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, इमरान ने बिला झिझक जवाब दिया और मेजर अशफाक के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात फैल गए। बैठो, मेजर अशफाक ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। इमरान ने कदरे मुतबाना अंदाज में एक कुर्सी पर बैठ गया। नंबर 2, रात को कोई खास बात हुई? मेजर अशफाक का लहजा सर्द था। यस चीफ, रात 3 बार कुछ अजीब किस्म की सरसराहटें सुनाई दी, जैसे दूर कोई झाड़ियों में रेंग रहा हो, लेकिन चेकिंग के बावजूद कोई मुश्तबा चीज नजर नहीं आई, इमरान ने जवाब दिया। तुमने खुद चेक किया? मेजर अशफाक का लहजा मायने खैर था। यस चीफ, 2 बार मैंने खुद चेक करने गया था, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब उसके दिल में शक सर उभारने लगा कि जरूर इसकी शख्सियत पर शक हो गया है। आखिरी बार तुमने कोई खास चीज चेक की? मेजर अशफाक ने कहा। मैं समझा नहीं चीफ, इमरान ने हैरत से पूछा। जहां तुम आखिरी बार चेक करने गए वहां कोई खास चीज? मेजर अशफाक का लहजा इंतहाई मायने खैर हो चुका था। नो सर, इमरान ने जवाब दिया, लेकिन अब वो पूरी तरह चौकन्ना हो गया था, क्योंकि उसे पूरा यकीन हो गया कि असल नंबर 2 की लाश मिल चुकी है और वो पहचानी जा चुकी है। मेजर अशफाक ने कुछ सोचते हुए कहा। सुनो, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है क्योंकि तुम हमारे खास साथी हो, लेकिन कल रात डेंजर जोन में कुछ अजीब और गरीब खेल हुआ है। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एक जगह लाश मिली है, लाश पहचानी नहीं जा सकी क्योंकि दरिंदों ने उसे बुरी तरह उधेड़ दिया है। मेजर अशफाक एक लम्हे के लिए रुक गया। इमरान ने इत्मीनान की तवील सांस ली। इसके अलावा डेंजर जोन में मुख्तलिफ जगहों पर घास पर इस तरह के निशानात मिले हैं जैसे वहां कोई आदमी कोहनियों के बल घसीटता रहा हो, मेजर अशफाक ने दोबारा कहा। बड़ी अजीब और गरीब इत्तलात है, इमरान ने कदरे हैरत जाहिर करते हुए कहा। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत अंगेज इत्तला ये है कि ये निशान इस दरख के नीचे भी मौजूद है जिस पर तुम मौजूद थे, मेजर अशफाक ने उसे बगौर देखते हुए कहा। क्या? इमरान उछल पड़ा। वो शदीद हैरत की कामयाब अदाकारी कर रहा था। अब तुम क्या कहते हो? मेजर अशफाक ने उसकी हैरत से कदरे मुतासिर होते हुए कहा। कमाल है चीफ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमरान ने इस तरह पूछा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। ये हो चुका है मिस्टर टू, मुझे ये बताएं कि इन हालात में मैं आपकी पोजीशन क्या समझूं? मेजर अशफाक के लहजे में तलखी आ गई थी। मैं अब क्या कह सकता हूँ? इमरान ने बेचारगी से कहा। मेजर अशफाक चंद लम्हे तक बगौर इमरान को देखता रहा। नंबर 2, आपकी पोजीशन मशकूक हो चुकी है, इसलिए आप मुकम्मल तहकीकात होने तक गेट से बाहर नहीं जा सकते। आइंदा से आप बाहर निगरानी की बजाय प्रोडक्शन यूनिट में काम करेंगे, मेजर अशफाक ने कहा। ठीक है, आप बेशक तहकीकात कर लें, इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। मेरे साथ आओ। मेजर अशफाक उठ खड़ा हुआ और फिर मेजर अशफाक के पीछे वो कमरे से बाहर निकल आया। मुख्तलिफ गैलरियों से निकलने के बाद वो एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचे जहां बेशुमार अजीब और गरीब मशीनें काम में मसरूफ थीं। हर मशीन पर ऑपरेटर मौजूद था। इमरान मशीनों को देखने लगा। मेजर अशफाक हॉल से गुजरा था, अब वो दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर मौजूद चौकीदार ने मेजर अशफाक को देखते ही फुर्ती से दरवाजा खोल दिया और फिर इमरान की आंखें हैरत से फट गईं। यहाँ एक बहुत बड़ा रनवे बनाया गया था और लुत्फ ये कि तमाम रनवे जमीन दोज था, लेकिन पूरी छत पर कहीं भी सुतून नहीं लगाए गए थे। रनवे के इर्द गिर्द मिजाइल बैंक बने हुए थे। दरवाजे के करीब ही एक इमारत थी। मेजर अशफाक उसमें चला गया, इमरान भी साथ था। वहां जो आदमी मौजूद थे वो मेजर अशफाक को देखते ही उठ खड़े हुए। शैतान, मेजर अशफाक ने कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, इन दोनों ने बेवकूफ जवाब दिया और इमरान दिल ही दिल में मुस्कुरा उठा। मिस्टर कुमार, ऑपरेशन किस पोजीशन में है? मेजर अशफाक ने पूछा। सर, 1% काम बाकी रह गया है, कुमार ने मुतबाना लहजे में जवाब दिया। ग्राउंड कंट्रोल रूम और उसका खुफिया गेट बन चुका है, मेजर अशफाक ने दूसरा सवाल किया। जी हाँ, आज ये दोनों मुकम्मल हो रहे हैं, कुमार ने जवाब दिया। देखो, काम जल्द अज जल्द खत्म करो, हालात खराब है, प्रेसिडेंट बार बार जोर दे रहे हैं, मेजर अशफाक ने ताकुमाना लहजे में कहा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जनाब, कुमार ने जवाब दिया। देखो, कल से मिस्टर रॉबर्ट आपके साथ काम करेंगे, मेजर अशफाक ने कहा। ओके सर, मगर, कुमार ने कदरे झिझकते हुए कहा। हाँ, मैंने इनकी ड्यूटी तब्दील कर दी है, मेजर अशफाक ने कहा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मिस्टर रॉबर्ट आप इनसे अपनी ड्यूटी के बारे में डिस्कस कर लें, कल से आपने यही काम करना है, मेजर अशफाक ने कहा और फिर वो इमारत से बाहर निकल गया। बैठिए मिस्टर रॉबर्ट, कुमार ने मेजर अशफाक के जाने के बाद इमरान से मुस्कुराते हुए कहा। इमरान बैठ गया।
आपकी ड्यूटी में तब्दीली की क्या कोई खास वजह है? कुमार का साथी पहली बार बोला। नहीं, बस चीफ की मर्जी, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, आप कल ड्यूटी पर आ जाइए, आप कंट्रोल रूम में काम करेंगे, कुमार ने कहा। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, अब कुछ सर में गरानी सी महसूस हो रही है, इमरान ने उठते हुए कहा। और फिर वो दोनों से हाथ मिलाकर इमारत से बाहर निकल आया। कैप्टन शकील ठीक हो चुका था, लेकिन कमजोरी बाकी थी। जूलिया जैसे ही होटल वापस आई, सफदर ने उसे टेलीफोन पर इमरान का पैगाम दे दिया। जूलिया ने इमरान से हिदायत लेने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि उसने मेकअप करके अपना हुलिया तब्दील कर लिया। उसके बाद उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगी। हेलो, राब्ता मिलने पर दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की आवाज आई। कैप्टन, मैं जूलिया बोल रही हूँ, आपकी तबीयत अब कैसी है? जूलिया ने कहा। ठीक हूँ, मेरे लाइक कोई काम? कैप्टन शकील ने पूछा। हाँ, आपके लिए काम निकल आया है। आप दानिश कॉलोनी की कोठी नंबर 130 में जाएं, वहाँ हुई तवील उलकामत जिससे आपका मुकाबला हुआ था, आपने उसकी जगह लेनी है। सफदर भी आपके साथ जाएगा, वो उस तवील उलकामत को अगवा करके ले आएगा। मैं सफदर को हिदायत दे देती हूँ। जूलिया ने उसे काम की नौइयत से आगाह किया। ठीक है, मैं अभी सफदर के साथ चला जाता हूँ, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। अपने वॉच ट्रांसमीटर भी साथ लेते जाइएगा, जूलिया ने हिदायत करते हुए कहा। और फिर तवील उलकामत तालिब के मुतालिक इमरान से मिली हुई मालूमात कैप्टन शकील को बता दी। आप बेफिक्र रहें मिस, मैं तालिब की जगह बखूबी काम कर लूंगा, कैप्टन शकील ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा। ओके, थैंक यू, जूलिया ने कहा और कनेक्शन काट दिया। अब वो सफदर को रिंग कर रही थी। हेलो, दूसरी तरफ से सफदर की आवाज आई। मैं जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। ओह मिस जूलिया, खैरियत है? सफदर ने कहा। हाँ सब ठीक है, बस तुम काम के लिए तैयार हो जाओ, जूलिया ने हंसते हुए कहा। मैं तो रेडी हूँ मिस जूलिया, सफदर ने कहा। तो मिस्टर एवर रेडी साहब, आप और कैप्टन शकील ने दानिश कॉलोनी की कोठी नंबर 130 में जाकर तवील उलकामत तालिब जो गुरु का सरगुना है उसे अगवा करना है। कैप्टन शकील उसकी जगह ले लेगा और आपने उसे अगवा करके नवाब साहब के महल में जोसेफ के हवाले कर देना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तालिब को वहां छोड़कर आप कैप्टन शकील के साथी की जगह ले लें, जूलिया ने हिदायत देते हुए कहा। बस इतना सा काम? सफदर ने पूछा। हाँ, जूलिया ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में ये तवील उलकामत वही है जिससे मेरा और कैप्टन शकील का टकराव हुआ था, सफदर ने कहा। हाँ, जूलिया ने मुख्तसर सा जवाब दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ, सफदर ने कहा। वॉच ट्रांसमीटर साथ लेते जाना, जूलिया ने हिदायत की। अच्छा, सफदर ने जवाब दिया और जूलिया ने रिसीवर रख दिया। उसने फौरी तौर पर यह होटल छोड़ देना था, ये इमरान की हिदायत थी, इसलिए वो अपने बैग में अपनी जरूरी चीजें डालने लगी। इमरान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और फिर वो बाहर निकल आया। गैलरी में वधम सी रोशनी थी, वो आहिस्ता से चलता हुआ गैलरी क्रॉस करने लगा। मुख्तलिफ गैलरियों से गुजरने के बाद वो मेजर अशफाक के ऑफिस के सामने रुक गया। ऑफिस का दरवाजा बंद था। इमरान ने जेब से एक छोटी सी तार निकाली और फिर वो तार उसने लॉक में डाल दी और उसे इधर उधर मखसूस अंदाज में घुमाने लगा। एक लम्हे बाद हल्की सी कड़क की आवाज से ताला खुल चुका था। इमरान ने तार निकालकर दोबारा जेब में डाल ली और दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा बिल्कुल तारीक था। उसने जेब से टॉर्च निकालकर जलाई और पहले टॉर्च का दायरा तमाम कमरे में घुमाया। टॉर्च निकालने से पहले उसने जेब से एक नकाब निकालकर मुंह पर बांध लिया था। फिर अपना इत्मीनान करके वो सीधा ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ा और फिर उसी तार से उसने दराजों के ताले भी खोले। उसने दराजों से मुख्तलिफ फाइलें निकाल निकाल कर देखनी शुरू कर दी, लेकिन कोई फाइल भी उसे ऐसी न मिली जिसे वो मशकूक गर्दान सकता। आखिरी दराज से उसने तमाम कागजात निकाले तो अचानक उसका हाथ दराज के आखिरी हिस्से में लगा। वहां कोने में एक छोटा सा हुक महसूस हुआ। उसने हुक पकड़कर खींचा तो दराजों के साइड वाली जगह से एक और खुफिया दराज बाहर निकल आई। इमरान ने फुर्ती से दराज में हाथ डाला। दराज में सिर्फ एक ही फाइल थी। उसने फाइल खोलकर देखना शुरू कर दी। ज्यों ज्यों वो फाइल पढ़ता गया उसकी आंखें हैरत से फटती चली गईं। ये एक भयानक साजिश थी और अब वो तमाम साजिशों को समझ चुका था। उसने जेब से एक छोटा सा कैमरा निकाला और फाइल के फोटो खींचने शुरू कर दिए, मगर दूसरे लम्हे टिच की आवाज आई और कमरा रोशन हो गया। इमरान उछलकर खड़ा हो गया। हैंड्स अप, एक गरजदार आवाज सुनाई दी और इमरान ने देखा कि चार टामी गने उसकी तरफ उठी हुई हैं। कमरे के हर कोने में एक टामी गन बरदार खड़ा था। इमरान ने हाथ उठा लिए। इतने में दरवाजा खुला और मेजर अशफाक दो और आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए इमरान की तरफ देखा,
फिर मुस्कुरा दिया। उसने अपने एक साथी की तरफ इशारा किया और वो आगे बढ़ा और फिर एक चक्कर काटकर इमरान के पीछे आ गया। फिर उसने इमरान की तलाशी ली और उसकी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। इसका नकाब उतार दो, मेजर अशफाक ने हुक्म दिया और उस आदमी ने फुर्ती से इमरान के मुंह से नकाब घसीट लिया। रॉबर्ट तुम? मेजर अशफाक हैरत से उछल पड़ा। इमरान खामोश खड़ा रहा। नहीं, तुम रॉबर्ट नहीं हो सकते, वरना तुम्हें हुक्म में लगे हुए अलार्म का जरूर इल्म होता। तुम जरूर रॉबर्ट के मेकअप में कोई और हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। नंबर 11 मेकअप वॉशिंग सोल्यूशन लाओ, उसने एक साथी को हुक्म देते हुए कहा और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वो सोल्यूशन की बोतल ले आया। इसे कुर्सी से बांध दो, मेजर अशफाक ने हुक्म दिया। इमरान टामी गनों की वजह से मजबूर था। टामी गनों के सामने वो अपने सिंह आड़ भी नहीं दिखा सकता था। उसे कुर्सी से बांध दिया गया और फिर मेजर अशफाक के कहने पर उसका मुंह उस सोल्यूशन से धोया गया। तुम मिस्टर अली इमरान? इमरान का असल चेहरा देखकर मेजर को एक और शौक लगा। हाँ मेजर अशफाक, ये मैं हूँ, इमरान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। मगर नंबर 2 कहाँ है? उसने तहकुमाना लहजे में पूछा। पकौड़े लेने गया हुआ है। इमरान इतने दिनों की संजीदगी के बाद दोबारा मोड़ में आ गया। क्या मतलब? गुस्से से मेजर अशफाक की आवाज़ फट गई। अरे तुम पकौड़ों का मतलब भी नहीं समझते? इमरान ने हैरत से भरपूर लहजे में पूछा। शट अप, मेजर अशफाक दहाड़ा। आहिस्ता माई डियर मेजर शैतान, आहिस्ता, मैं बहरा नहीं हूँ, इमरान ने कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, समझे? मेजर अशफाक घुराया। क्यों, मैंने कोई नेकी का काम कर दिया है क्या? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेजर खामोश रहा। चंद लम्हे सोचने के बाद वो एक अलमारी की तरफ बढ़ा। वहां से उसने ट्रांसमीटर निकाला और फिर उसका बटन दबाकर कॉल करना शुरू कर दिया। हेलो हेलो, शैतान स्पीकिंग, ओवर। वो बार बार यही फिक्रा दोहरा रहा था। वाह वाह, क्या खूब दाम रखा है अपना, बिल्कुल इसमें बासनी, इमरान ने हाँक लगाई। तुम खामोश रहो तो बेहतर है, मेजर अशफाक ने उसे डांटते हुए कहा। कमाल है, भला शैतान से भी बेहतरी की उम्मीद हो सकती है, इमरान बाज ना आया। नंबर 11 अगर अब ये बोले तो बिला जिरे गोली मार देना, मेजर ने अपने साथी को हुक्म दिया और फिर खुद कॉल करने में मसरूफ हो गया। हेलो शैतान स्पीकिंग, ओवर, दूसरी तरफ से आवाज आई। यस शैतान दिस एंड कोड, ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तालिब, मैं अशफाक बोल रहा हूँ, फौरन टारगेट पर पहुंचो, एक अहम मसला है, ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। खैरियत है, इस वक्त क्या मसला आन पड़ा, ओवर, तालिब ने पूछा। तुम जल्दी पहुंचो, मैं डेंजर जोन को तुम्हारे बारे में इत्तला देता हूँ, ओवर, मेजर अशफाक ने कहा। ओके मैं आ रहा हूँ, ओवर एंड ऑन, दूसरी तरफ से आवाज आई और मेजर ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। नंबर 11 तुम डेंजर जोन में शैतान की आमद की इत्तला दे दो, मेजर अशफाक ने कहा। तो नंबर 11 फुर्ती से बाहर निकल गया। मेजर अशफाक अब इमरान के सामने कुर्सी पर आन बैठा था। तुम्हें हम पर शक कैसे हुआ, उसने नरम लहजे में पूछा। तुम खुद ही तो ख्वाब में आकर मुझे बता गए थे, इमरान ने जवाब दिया। तुम सीधी तरीके से नहीं बताओगे, मेजर अशफाक ने कहा। ये आज तक तरीके का सीधा और उल्टापन मेरी समझ में नहीं आया, इमरान ने कहा। तालिब को आ लेने दो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा तो क्या तालिब साहब किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर लगे हुए हैं जो समझाने में माहिर है, इमरान ने कहा। हाँ ऐसे ही समझ लो, मेजर भी अब मजे लेने लगा। जहाँ तुम जैसे टीचर हो वो तो फिर यकीनन मिसाली दर्जगाह होगी, इमरान ने कहा। तुम खामोश नहीं रह सकते, मेजर को दोबारा गुस्सा आने लगा। वाह वाह, क्या खालिस उस्तादाना ले जाए, इमरान बाज ना आया। मेजर अशफाक खामोश रहा, इमरान भी किसी सोच में डूब गया। काफी देर गुजर गई, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, मेजर अशफाक बोला। दरवाजा खुला और दो नकाबपोश अंदर आ गए। उन्होंने अंदर आकर अपने नकाब उतार दिए। उनमें से एक तालिब और दूसरा उसका साथी था। ये कौन है, उसने हैरत से इमरान की तरफ देखते हुए कहा। इमरान मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त तालिब के रूप में कैप्टन शकील और दूसरा यकीनन सफदर होगा, लेकिन दिल ही दिल में उनके मेकअप की दाद देने लगा। इतने मुकम्मल मेकअप में थे कि अगर इमरान जूलिया को हिदायत ना दे आया होता तो यकीनन धोखा खा जाता। ये मिस्टर अली इमरान है, यहाँ के इंटेलिजेंस के ऑफिसर जिनके मुतालिक मैंने उस दिन तुम्हें कोठी में बताया था, मेजर अशफाक ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने इन्हें मुतमईन कर दिया है, तालिब ने कहा। हाँ उस वक्त तो सूरत हाल यही मालूम होती थी, लेकिन अब ये तुम्हारे सामने है, मेजर अशफाक ने कहा। इसे कहाँ से गिरफ्तार किया है, तालिब ने कहा। ये रॉबर्ट नंबर 2 के रूप में मौजूद था, आज फाइल नंबर 3 निकाल कर देखने लगा तो अलार्म की वजह से पकड़ा गया, मेजर अशफाक ने कहा। ओह तो इसका मतलब है सब कुछ इसकी नजर में आ गया, तालिब ने कहा।
हाँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है कि इसका अब क्या किया जाए। मेजर अशफाक ने कहा, करना क्या है, गोली मार दो। तालिब ने लापरवाही से कहा और इमरान कैप्टन शकील की अदाकारी पर अश अश कर उठा। पहले इस पर तशद्दुद करके इसके साथियों के मुतालिक मालूमात हासिल कर रहे। मेजर अशफाक ने कहा, यार तुम लोग भी बिल्कुल बेवकूफ हो, मेरे सामने ही मेरे मुतालिक प्रोग्राम बना रहे हो। इमरान बोल पड़ा, क्या तुम शराफत से सब कुछ नहीं बताओगे। तालिब ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा, वाह वाह क्या बात है, अब शैतान भी शराफत का नाम लेने लगे हैं। इमरान ने मुजायका उड़ाते हुए कहा, तुम सब लोग जाओ, सिर्फ एक टामी गन वाला रह जाए। तालिब ने अचानक टामी गन वालों से मुखातिब होते हुए कहा, क्यों। मेजर हैरान रह गया, ख्वा मफवा इतना मजमा लगाने से फायदा, ये बंदा हुआ तो है ही, एक टामी गन काफी है। तालिब ने जवाब दिया और मेजर अशफाक कंधे उछलाकर रह गया। इमरान कैप्टन शकील की जहानत की दाद देने लगा। सबके जाते ही तालिब ने जेब से एक लंबा सा चाकू निकाला और उसे खोलकर इमरान की तरफ बढ़ाया। सब सही सही बता दो वरना, तालिब ने चाकू की नोक उसके बाजू पर रखकर कहा। वरना क्या कैप्टन साहब, इमरान ने हंसते हुए कहा। कैप्टन, कौन कैप्टन, तालिब ने हैरत से कहा। कैप्टन शकील और कौन, इमरान ने कहका लगाते हुए कहा। तुम वक्त जाया कर रहे हो, बताओ, अचानक तालिब को गुस्सा आ गया। इमरान उलझन में पड़ गया कि कैप्टन शकील इतने वाजे इशारे के बावजूद अदाकारी कर रहा है। बताओ, तालिब धाड़ा और दूसरे लम्हे चाकू का फल इमरान के बाजू में घुस गया। दर्द की एक शदीद लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। दर्द से ज्यादा उसे कैप्टन शकील के रवैये पर हैरत थी, उधर सफदर भी खामोश था। बताओ वरना आंख निकाल दूंगा, तालिब का चेहरा गुस्से से सुरख हो गया। क्या बताऊं, तुम नहीं जानते भला ये भी अदाकारी का वक्त है। इमरान को भी गुस्सा आ गया, कैप्टन शकील ख्वा मख्वा अदाकारी के चक्कर में पड़कर उसका वक्त जाया कर रहा है। तुम शायद किसी गलत फहमी में मुब्तला हो, अब तालिब के चेहरे पर हैरत के आसार थे। क्या तुम कैप्टन शकील नहीं हो, इमरान के लहजे में हैरत थी। कौन कैप्टन शकील, मैं नहीं जानता उसे, और फिर मैं कैप्टन हो भी कैसे सकता हूँ, तालिब ने कहा। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर इमरान इस गैर मुतवक्कल सिचुएशन को उलझ कर रह गया। वो तो अपने तौर पर मुतमईन था कि तालिब के रूप में कैप्टन शकील होगा। तालिब अब तक इमरान को बगौर देख रहा था। अचानक तालिब घूमा और फिर उसने चाकू की नोक मेजर अशफाक के सीने पर रख दी। क्या मतलब, मेजर गड़बड़ा कर रह गया और इमरान के चेहरे पर इत्मीनान के आसार छा गए। मेजर अशफाक, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, अब बताओ, तालिब ने खुर्राते हुए कहा। तो क्या तुम तालिब नहीं हो, मेजर अशफाक की आंखों में हैरत नाच रही थी। तालिब के साथी ने सिचुएशन देखते ही रिवॉल्वर से टामी गन वाले को कवर कर लिया था। मैं कैप्टन शकील हूँ, तालिब नहीं, कैप्टन शकील ने कहा और मेजर अशफाक बेबसी से होंठ काटता रह गया। अब बताइए इमरान साहब कैसी रही, तालिब ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। यार वैसे तो बड़ी अच्छी रही, मगर मेरे बाजू से खून अभी तक बह रहा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बहने दो, कोई परवाह नहीं, तालिब ने लापरवाही से कहा और इमरान एक दफा फिर गड़बड़ा गया। उसने सोचा कम से कम कैप्टन शकील ऐसा नहीं कह सकता। क्या ये कैप्टन शकील नहीं तालिब है, वो चकड़ा कर रह गया। इन शैतानों ने तो वाकई उसे चक्कर दे दिया था। हाँ तो इमरान साहब, ऐसा करें अपने तमाम साथियों को यहीं बुलवा लें, तालिब ने कहा और इमरान चौंक गया। ये यकीनन कैप्टन नहीं हो सकता। और फिर वही हुआ, अचानक धमाका हुआ और तालिब उलट कर पीछे जा गिरा, गोली उसके सीने में घुस गई थी। कैप्टन शकील और सफदर जूलिया की हिदायत मिलने के थोड़ी देर बाद मेकअप करके होटल से बाहर निकल आए। उन्होंने टैक्सी की और टैक्सी ड्राइवर को दानिश कॉलोनी की तरफ चलने का हुक्म दिया। सड़कों पर काफी रश था, टैक्सी इंतहाई तेजी से अपना रास्ता बनाती हुई भागी जा रही थी। ड्राइवर काफी होशियार मालूम होता था। फिर अचानक टैक्सी जब दो बसों के दरमियान से निकलने लगी तो सामने से एक ट्रक आ गया। टैक्सी ड्राइवर ने बचाने की बेहद कोशिश की, मगर एक जोरदार धमाका हुआ, टैक्सी ट्रक से टकरा चुकी थी। टैक्सी कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी, उसका इंजन तबाह हो चुका था। सड़क पर हंगामा बरपा हो गया, इर्द गिर्द के लोग तेजी से टैक्सी की तरफ भागे। टैक्सी ड्राइवर फौरन ही हलाक हो गया था, स्टीयरिंग वहीं उसके सीने में घुस गया था। अलबत्ता कैप्टन शकील और सफदर बच गए थे, वो दोनों बेहोश थे। छोटी मोटी चोटें तो उन्हें भी काफी आईं, मगर कोई शदीद चोट नहीं लगी थी। जोरदार टकराव से वो बेहोश हो गए थे। लोगों ने जल्दी से उन्हें टैक्सी से खींचकर बाहर निकाला और फिर एक कार रोककर उन दोनों को सिविल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उन्हें फौरन तभी इमदाद मुहैया की गई, लेकिन डॉक्टरों की सरतोड़ कोशिशों के बावजूद उन्हें होश न आया, बल्कि उनकी हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। शायद कोई अंदरूनी शदीद चोट लगी थी। एक्सीडेंट को हुए 12 घंटे गुजर गए और अभी तक दोनों बेहोश थे। डॉक्टर उनकी जिंदगी से मायूस से हो गए।
तकरीबन 20 घंटे के बाद उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई और उन्हें ऑक्सीजन टैंक में रख दिया गया। दोनों को खून की बोतलें चढ़ा दी गई। डॉक्टर उन पर मुख्तलिफ इंजेक्शन आजमा रहे थे लेकिन बेहोशी थी कि टूटने में नहीं आ रही थी। खुदा खुदा करके तकरीबन हादसे के 24 घंटे बाद उन्हें होश आ गया। शायद अभी उनकी उम्र बाकी थी वरना डॉक्टर मायूस हो चुके थे। इस वक्त आधी रात थी। उनके करीब एक डॉक्टर और दो नर्सें मुस्तकिल ड्यूटी पर थी। पहले सफदर को होश आया और चंद मिनट बाद कैप्टन शकील भी होश में आ गया। ऑक्सीजन टैंक हटा दिया गया। वो चंद लम्हे तो सपाट नजरों से इधर उधर देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी याददाश्त लौटने लगी और फिर थोड़ी देर बाद उनकी नब्ज मामूल पर आ गई। खून की बोतलें हटा दी गईं। अब वो पूरी तरह होश में थे। अब उन्हें जूलिया की हिदायत और अपने काम की फिक्र पड़ गई। जिस्म में अब भी शदीद कमजोरी मौजूद थी लेकिन फर्ज उनकी नजर में ज्यादा अहम था। वो अस्तरारी तौर पर उठकर बैठ गए। लेटे रहिए, अभी आपको आराम की जरूरत है, डॉक्टर ने उनसे कहा और वो दोनों दोबारा लेट गए। नर्स उनका ख्याल रखना, मैं राउंड लगा आऊं, डॉक्टर ने एक नर्स से मुखातिब होकर कहा। ओके सर, उस नर्स ने जवाब दिया और डॉक्टर दूसरी नर्स को लेकर राउंड पर चला गया। कैप्टन शकील ने सफदर की तरफ देखा और मखसूस इशारा कर दिया। सफदर ने भी इस बात में सर हिला दिया। नर्स, मेरे सीने में शदीद दर्द है, अचानक सफदर बोल पड़ा। नर्स तेजी से सफदर के करीब आई और फिर उसने अपना हाथ उसके सीने पर रख दिया। सफदर ने अचानक नर्स का गला पकड़ लिया और चंद लम्हे बाद नर्स बेहोश हो चुकी थी। नर्स को बेहोश करते हुए सफदर को जहनी तनाव और रूहानी तकलीफ हुई लेकिन क्या करता, मजबूरी थी। वो इस हालत में भी फर्ज को अहमियत दे रहे थे। नर्स के बेहोश होते ही वो दोनों बिस्तर से उछल कर खड़े हो गए। उठने से उनके जिस्म में शदीद दर्द हुआ लेकिन उन्होंने परवाह ना की और फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़े तेजी से भागते हुए गैलरी में आए और फिर गैलरी से पिछले दरवाजे तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से अब तक उनका टकराव किसी से ना हुआ था। वो बा आसानी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए। उनके जिस्म पर मरीजों वाला लिबास था और इस लिबास में रिवॉल्वर की मौजूदगी का तो सवाल ही पैदा ना होता था। शुक्र ये कि गर्मियों का मौसम था वरना सर्दी में तो अकड़ जाते। अस्पताल की इमारत से वो छुपते छुपाते बाहर निकल आए। अस्पताल से काफी दूर आकर उन्हें एक टैक्सी मिल गई और उस टैक्सी ने उन्हें वापस कॉलोनी पहुंचा दिया। वो कोटी नंबर 130 से काफी पहले ही उतर गए और फिर वो तेजी से चलते हुए कोटी के अकब में आ पहुंचे। कमजोरी और दर्द से उनकी बुरी हालत थी। ये भी उनकी बेमिसाल कुव्वत बर्दाश्त और मजबूत कुव्वत इरादे का नतीजा था कि वो इस तरह दौड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक दरख्त के जरिए अगली दीवार फाड़ गए। अब दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पोर्च की तरफ बढ़े। पोर्च में एक लंबी चौड़ी कार मौजूद थी। वो दोनों जैसे ही कार के करीब पहुंचे उन्हें दरवाजे की चटखनी खुलने की आवाज आई। वो तेजी से बड़े सतून की आड़ में हो गए। दरवाजा खुला और उसमें से वही तवीरुल कामत और उसका साथी बाहर निकला और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए कार में आ बैठे। कैप्टन शकील ने सफदर की तरफ देखा और फिर दोनों लपक कर कार की डिग्गी के करीब पहुंच गए। सफदर ने डिग्गी उठाई। खुशकिस्मती से डिग्गी का ताला बंद नहीं था, शायद सामान निकालकर ड्राइवर ताला लगाना भूल गया था। कैप्टन शकील बड़ी आहिस्तगी से डिग्गी में घुस गया। इस वक्त कार स्टार्ट हुई और फिर सफदर भी फुर्ती से अंदर आ गया। दूसरे लम्हे कार चल पड़ी। दोनों बड़ी मुश्किल से डिग्गी में समाये। डिग्गी का ढकना उन्होंने खुला रखा ताकि दम ना घुट जाए। कार तेजी से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही, फिर वो जंगल में घुस गई। सफदर चौंक पड़ा क्योंकि वो एक बार पहले इमरान के साथ जंगल में आ चुका था। जंगल में कार दौड़ती रही और हिचकोलों से दोनों की बुरी हालत हो रही थी। उधर अब इतनी भाग दौड़ के बाद उन पर कमजोरी गालिब आने लगी थी लेकिन दोनों बड़ी हिम्मत से अपने आप पर काबू पाए हुए थे। फिर कार एक जगह जाकर रुक गई। सफदर समझ गया कि वो दरख्त वाले गेट के करीब पहुंच गए हैं। तालिब और उसका साथी कार से उतरे। डेंजर जोन पर मौजूद पहरेदार दरख्तों से नीचे उतर आए। वो उन्हें सलाम करने लगे थे। सफदर ने मौका गनीमत जाना और दोनों आहिस्ता से डिग्गी से उतरकर कार की आड़ में हो गए। इतने में दरख्त वाला दरवाजा खुला और तालिब और उसका साथी अंदर घुस गए। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। पहरेदार वापस अपनी जगह पर जाने लगे। वो दोनों खिसकते हुए दरख्त के करीब आ गए और फिर सफदर खतरे की परवाह ना करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने उस जगह हाथ फेरा जहां उसका ख्याल था कि दरवाजे का बटन होगा। दरवाजा खुल गया। सफदर लपक कर अंदर चला गया। दूसरे लम्हे कैप्टन शकील ने भी जंप किया और वो भी अंदर हो गया। पहरेदारों की नजर उन पर ना पड़ी, शायद वो अपने अपने दरख्तों पर चढ़ने में मसरूफ थे। वो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। दरवाजा बंद हो चुका था। सीढ़ियां उतरकर वो एक कमरे में आए और फिर दरवाजे के करीब एक पहरेदार नजर आ गया।
उसके करीब ही उन्हें राइफल भी दीवार के साथ रखी हुई नजर आ गई। पहरेदार शायद किसी सोच में गर्क था या फिर सुस्ता रहा था। सफदर ने बड़ी आहिस्तगी से हाथ बढ़ाया और दूसरे लम्हे राइफल उसके हाथ में दी। उसने तेजी से राइफल घुमाई और इससे पहले कि पहरेदार चौकन्ना हुआ, राइफल का बट उसके सर पर लगा और वो कोई आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। वो दोनों लपक कर दरवाजे से निकले और गैलरी में आ पहुंचे। अचानक कैप्टन शकील वापस मुड़ा और पहरेदार की तलाशी लेने लगा और फिर उसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई जब उसे पहरेदार की बेल्ट से लगा हुआ रिवॉल्वर मिल गया। अब वो दोनों मुसल्ला थे। वो तेजी से आगे बढ़ने लगे। गो उन्होंने अंदर घुसकर एक बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन वो ऐसा करने पर मजबूर थे क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इस हालत में वो इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए वो तालिब के पीछे अंदर चले आए। फिर सफदर को उस दफ्तर में रोशनी नजर आई जिसमें वो उस दिन मेजर अशफाक से मिले थे। सफदर ने की हो से आंख लगाई और फिर वो अंदर का मंजर देखकर चौंक पड़ा। उसे कुर्सी पर बंधा हुआ इमरान साहब नजर आ गया। उसने कैप्टन शकील के कान में सरगोशी की और फिर कैप्टन शकील भी की हो से अंदर देखकर परेशान हो गया। बहरहाल उन्हें खुशी हुई कि वो नादानिस्ता तौर पर सही वक्त और सही मुकाम पर आए थे। मैं सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता हूँ ताकि रोशनदास से सिचुएशन कंट्रोल करूँ। तुम रिवॉल्वर लेकर यहीं खड़े रहो। अगर मैं गोली चलाऊं या आवाज दूं तो बिला दिलेख अंदर घुस आना, सफदर ने कैप्टन शकील के कान में कहा और उसने इस बात में सहेजा दिया। सफदर राइफल लेकर आगे बढ़ गया और फिर उसका अंदाजा सही निकला। जल्द ही उसे सीढ़ियां मिल गईं और थोड़ी देर बाद वो उस गैलरी तक जा पहुंचा जहां कमरों के रोशनदान थे। उसने उस कमरे का रोशनदान थोड़ा सा खोला, राइफल की नाल वहां आहिस्ता से टिका दी और अंदर झांकने लगा। दूसरे लम्हे उसके हिसाब शल हो गए। वहां उसने तालिब का चाकू इमरान के बाजू में घुसते देखा। उसने राइफल के ट्रिगर पर उंगली रख दी और फिर जरा सा पीछे हटकर राइफल की नाल को आगे बढ़ाया और निशाना ले लिया। नीचे हर शख्स इमरान की तरफ मुतवज्जा था और इससे पहले कि वो गोली चलाता, वो तेजी से बदलती हुई सिचुएशन देखकर रुक गया और फिर उसने देखा कि तालिब ने अब दूसरे मुजरिम को कवर कर लिया है। वो खामोशी से सब बातें सुनता रहा। फिर उसने ये सुना कि तालिब इमरान को मशवरा दे रहा है कि अपने तमाम साथियों को वहीं बुलवा ले, तो उसने फैसला किया कि जल्द अज जल्द मामला ख़त्म कर देना चाहिए, कहीं बना बनाया काम बिगड़ ना जाए। चुनाचे उसने ट्रिगर दबा दिया, गोली ठीक निशाने पर लगी, तालिब उलट कर पीछे जा गिरा, चाकू उसके हाथ से छूट गया था, गोली उसके सीने में घुस गई थी। कमरे में मौजूद हर शख्स बुरी तरह चौंका। सफदर ने दूसरा फायर कर दिया, दूसरी गोली टामी गन वाले की खोपड़ी उड़ा ले गई। उधर कैप्टन शकील गोली की आवाज सुनते ही अंदर लपका। सामने मेजर अशफाक था, हैंड्स अप। वो घुर्राया मगर तालिब के साथी ने उस पर फायर कर दिया। कैप्टन शकील फुर्ती से पहलू बदल गया। फिर इससे पहले कि वो दूसरी गोली चलाता, कैप्टन ने फायर कर दिया, गोली उसकी फसलियां तोड़ती हुई निकल गई। कैप्टन शकील ने रिवॉल्वर मेजर अशफाक की कमर से लगा दिया। मेजर अशफाक ने हाथ उठा लिए। तालिब अभी फर्श पर पड़ा तड़प रहा था, फिर उसके जिस्म ने एक झटका खाया, वो ठंडा हो चुका था। सफदर ने उस कमरे के रोशनदान को खोला और फिर वहीं से छलांग लगा दी। फर्श पर गिरते ही वो तेजी से उठा और उसने बंधे हुए इमरान की रस्सियां खोलनी शुरू कर दी। जो हैरत दादा बैठा ये तमाशा देख रहा था। रस्सियां खुलते ही इमरान उठा और फिर उसने तेजी से तामी गन उठा ली। सफदर, मेजर अशफाक को कुर्सी से बांध दो, इमरान ने सफदर को हुक्म दिया और सफदर ने मेजर अशफाक को कुर्सी से बांध दिया। मेजर अशफाक सिचुएशन को इस तरह बदलते देखकर बेहिस हो चुका था। तुम इसे कवर करके रखो, मैं अभी आया, इमरान ने कहा और फिर वो तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। उसने फुर्ती से बॉक्स खोला, उसमें मेकअप का सामान था। उसने तेजी से बंधे हुए मेजर के मुंह पर अपना मेकअप करना शुरू कर दिया। मेजर अशफाक ने जद्दोजहद करनी चाही लेकिन सफदर ने उसके सर दोनों हाथों से पकड़कर काबू कर लिया। थोड़ी देर बाद मेजर अशफाक इमरान का हम शक्ल बन चुका था। इमरान ने कैप्टन शकील के हाथ से रिवॉल्वर लिया और फिर उसका दस्ता पूरी कुव्वत से मेजर के सर पर दे मारा। दूसरी तरफ पर मेजर बेहोश हो चुका था। अब उसने कैप्टन शकील पर तालिब का मेकअप करना शुरू कर दिया। उससे फारिग होकर उसने तालिब के साथी का मेकअप सफदर पर किया। थोड़ी देर बाद इन दोनों की शक्लें बदल चुकी थी। फिर उसने तालिब और उसके साथी पर कैप्टन शकील और सफदर का मेकअप किया। तुम दोनों कपड़े बदल लो, इमरान ने उससे मुखातिब होकर कहा। मगर कपड़े कहाँ हैं, इन दोनों के कपड़े तो लहू से तर हैं, कैप्टन शकील ने कहा। फिर इमरान की तलाश करने पर ऑफिस से मुंसलिक बाथरूम में ही उन्हें कपड़ों की एक अलमारी नजर आ गई। दोनों ने कपड़े तब्दील किए और अपने कपड़े उन्होंने मुर्दा तालिब और उसके साथियों को पहना दिए।
इमरान ने बेहोश मेजर से कपड़े तब्दील कर लिए। इस तमाम काम में इमरान ने बेहद फुर्ती दिखाई। नतीजा ये कि तकरीबन आधे घंटे में वो फारिग हो चुका था। अब तक कोई भी और आदमी कमरे में नहीं आया था, शायद मेजर की तरफ से उन्हें सख्त हिदायत थी। दूसरा, उन्हें यहाँ की सिचुएशन का भी तो इल्म नहीं था। उसने मेज पर लगे हुए घंटी के बटन को दबाया। चंद लम्हे बाद एक नौजवान हाथ में टामी गन लिए अंदर दाखिल हुआ। अंदर की सिचुएशन देखकर वो एक लम्हे के लिए ठिटक गया। इमरान मुंह पर नकाब लगा चुका था। दो और को बुलाओ, इमरान ने उसे मेजर की आवाज में हुक्म दिया और वह तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हे बाद उसके दो और आदमी अंदर दाखिल हुए। तुम बाहर डेंजर जोन वालों को मुतला करो कि हम एक अहम काम के लिए बाहर जा रहे हैं, होशियार रहें और तुम दोनों इनको उठाओ। इमरान ने ताली बोल उसके साथी की तरफ इशारा किया। पहले वाला नौजवान बाहर चला गया जबकि उसके दोनों साथी इन दोनों को उठाने लगे। सफदर ने आगे बढ़कर बेहोश मेजर अशफाक को कंधे पर लाद लिया और फिर वो सब तेजी से गेट की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वो दरख्त वाले दरवाजे से निकलकर जंगल में आ गए। तुम लोग होशियारी से पहरा दो, मुझे शायद चंद घंटे लग जाए, इमरान ने उसे मुखातिब होकर कहा। ओके चीफ, आप बेफिक्र रहें, उनके लीडर ने कहा। और फिर इमरान, कैप्टन शकील और सफदर कार में बैठ गए और कार तेजी से वापस दौड़ने लगी। होटल ताश के कमरे में महफिल जमी हुई थी। इमरान, कैप्टन शकील, सफदर और जूलिया कमरे में मौजूद थे। इमरान साहब, क्या अड्डे पर कब्जा कर लिया गया, सफदर ने पूछा। हाँ सफदर, सुबह मैंने H2 के हवाले से फौज को कॉल किया था और फिर थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद अड्डे पर हमारा कब्जा हो गया। वैसे वहाँ सिर्फ थोड़े से मुजरिम थे, बाकी सब अपने ही फौजी थे। आखिर ये किस्सा क्या था, अपनी तो समझ में नहीं आया, जूलिया ने पूछा। जूलिया ने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा, क्योंकि वो तीनों हरगिज इस केस को नहीं समझ सके थे। अच्छा भाई सुनो, अब तुम तीनों जो दरख्वास्त कर रहे हो तो सुनो, लेकिन मैं मुख्तसर बताऊंगा, इमरान ने कहा। आप बताइए तो सही, सफदर ने कहा। बात दरअसल ये है कि हमारे मुल्क ने प्रेम नगर के इस जंगल में खुफिया जमीन दोज मिजाइल अड्डा और एक ताकतवर रॉड स्टेशन बनाने का मंसूबा बनाया। जंगल का यह हिस्सा जहां अड्डा मौजूद है, चूंकि पड़ोसी दुश्मन मुल्क की सरहद के करीब है, इसलिए ये जगह मुनासिब ख्याल की गई। मंसूबा तैयार हुआ, फिर अड्डा बनना शुरू हो गया। ये अड्डा बनाने वाले फौजी थे। ये मंसूबा इतना खुफिया रखा गया कि प्रेम नगर के नवाब साहब तक को भी इसकी हवा ना लगने दी, मगर न जाने कैसे पड़ोसी मुल्क के जासूसों के कानों में इस मंसूबे की भनक पड़ गई। उन्होंने इसके मुतालिक तफसीलात अपने मुल्क को भेज दी। अब इधर एक भयानक मगर सादा साजिश तैयार की गई। उन्होंने अपने मुल्क के दो नामवर जासूसों मिर्जा अशफाक और तालिब की सरकर्दगी में दो पार्टियां भेजी। इधर पाक एशियाई अड्डे के इंचार्ज का नाम भी मेजर अशफाक ही था। दोनों दुश्मन एजेंट शैतान के नाम से पुकारे जाते थे। बहरहाल ये दोनों शैतान यहाँ आए और मिर्जा अशफाक ने अड्डे पर कब्जा कर लिया। मेजर अशफाक को कत्ल करके खुद उसकी जगह संभाली और अपने दूसरे साथी भी अहम पोस्टों पर लगा दिए। उधर तालिब अपनी पार्टी के साथ बाहर रहने लगा। उसके जिम्मे ये ड्यूटी थी कि अगर कोई दूसरी पार्टी या हुकूमत के अफराद को इस मिशन पर शक हो तो वो उनका बंदोबस्त करे। दोनों पार्टियां काम करती रही। हमारी हुकूमत ये समझती रही कि अड्डा बन रहा है, तमाम खर्चा हमारी हुकूमत उठा रही थी। उधर पड़ोसी मुल्क के इंजीनियरों ने भी इस अड्डे के साथ ही अपनी हदूद में अपने मुल्क के लिए एक खुफिया अड्डा बनाना शुरू कर दिया। उनका प्रोग्राम यह था कि हमारे अड्डे का कंट्रोल जोन इस तरफ पर तैयार किए जाए कि वो अपने अड्डे से जिस वक्त भी चाहे उसे कंट्रोल कर सकें। दोनों अड्डों के दरमियान एक खुफिया सुरंग तैयार करा दी गई ताकि वो जिस वक्त चाहे इस अड्डे पर बआसानी कब्जा करके इस अड्डे को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। काम होता रहा और किसी को इस भयानक साजिश की खबर ना हो सकी। उधर अड्डे को खुफिया रखने के लिए हुकूमत की इजाजत से जंगल में चंद शिकारियों को कत्ल कर दिया गया ताकि लोग इधर आने से घबराने लगे। उसके लिए मखसूस हथियार इस्तेमाल किए गए जिसकी वजह से लोगों में जिन भूतों का तस्वर फैलने लगा और ये जगह पुरस्कार और आसेब ज्यादा समझी जाने लगी, क्योंकि नवाब साहब को इसके मुतालिक इल्म नहीं था और शिकारियों की वजह से उनकी आमदनी कम हुई तो उन्होंने सर सुल्तान से मदद की दरख्वास्त की, जो उनके दोस्त हैं। सर सुल्तान खुद मंसूबे से आगा नहीं थे क्योंकि ये सब टॉप सीक्रेट रखा गया था। सर सुल्तान ने दोस्ती से मजबूर होकर H2 को दरख्वास्त की और H2 ने मुझ कुर्बानी के बकरे को आगे कर दिया। यहाँ आकर मैंने तहकीकात की और फिर अचानक सूरत हाल बदल गई। जब हमें यकीन दिलाया गया कि ये अड्डा हमारी हुकूमत ही बना रही है, यहाँ कोई मुजरिमाना काम नहीं हो रहा, मैंने H2 को फोन किया। H2 ने तस्दीक की, बात सही निकली। अब यहाँ आकर केस ठप हो गया। दरअसल मुजरिम हमें चक्कर दे गए और सच बात तो यह है कि मैं भी चकरा गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर जूलिया को मैंने उस आदमी के ताकू पर लगा दिया और खुद जब बाहर निकला तो मेजर अशफाक नजर आ गया।
फिर उसका ताकुब करके मैं तालिब के ठिकाने पर जा पहुंचा। जूलिया भी गिरफ्तार होकर वहीं आई और फिर उनकी बातें सुनकर मैं मशकूक हो गया। मैंने जूलिया के जरिए तुम्हें हिदायत पहुंचाई कि तालिब को अगवा कर लिया जाए। खुद मैं नंबर 2 को खत्म करके अड्डे में घुस गया और वहाँ फाइल निकालते हुए गिरफ्तार हो गया। मेजर अशफाक ने तालिब को बुला भेजा। तालिब अपने एक साथी के साथ वहाँ आ पहुंचा। अब सूरत हाल ये थी कि मुझे यकीन था कि तालिब के भेस में कैप्टन शकील और उसके साथी के भेस में सफदर है। उधर तुम लोगों ने अजलत से काम लिया और वक्त पर पहुंच गए, वरना मैं तो इस यकीन के भरोसे पर मारा जाता, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा और इस सिचुएशन का तसव्वुर करके सब हंस पड़े। तालिब उधर चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे कैप्टन शकील समझकर उसकी फितरी अदाकारी और मुकम्मल मेकअप पर दिल ही दिल में अश कर रहा था। इमरान ने चंद लम्हों बाद दोबारा बोलते हुए कहा और कमरा एक बार फिर कहकों से गूंज उठा। अब आगे तुम जानते ही हो गए क्या हुआ, इमरान ने कहा। क्या हुआ, जूलिया बोली, क्योंकि वो अलाइलम थी। निकाह हुआ और क्या हो सकता है, इमरान ने कहा और जूलिया बिपर गई। शट अप बदतमीज, जूलिया गुस्से से चिल्लाई। क्यों, निकाह होने में बदतमीजी कहां से दाखिल हो गई मैडम, इमरान ने हैरत से कहा और जूलिया ने सैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा अच्छा, हो गई दाखिले बदतमीजी, अब तो खुश हो गई, इमरान ने उसी लहजे में कहा कि जूलिया ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। बस इसी तरह हंसती रहा करो ताकि उम्मीद कायम रहे, इमरान ने हाक लगाई और जूलिया का फिर मुंह बन गया। आप मिस जूलिया को बहुत तंग करते हैं इमरान साहब, सफदर ने बीच बचाव कराते हुए कहा। अरे मेरे तंग करने से तो ये स्मार्ट है, वरना भैंस को गौर से देख लो, उसे कोई तंग नहीं करता, इमरान ने कहा और फिर तेजी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। ये इमरान इन दोनों से भी बड़ा शैतान है, सफदर ने कहा। यानी 10 करोड़ों में 2 शैतान नहीं बल्कि 10 करोड़ों में 1 बड़ा शैतान, कैप्टन शकील ने हाक लगाई। हाँ, इसीलिए तो इमरान और शैतान मिलते जुलते नाम है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर इन तीनों के बेसाख्ता कहकों से कमरा गूंज उठा। खत्म शुद्ध।